मन को एकाग्र करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करते हैं आज शाम के सुंदर मौके के लिए जो आपने हमें दिया कि एक बार फिर से हम आपके चरणों में आ सके। लॉर्ड आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने ये मौका हमें दिया प्रभु जी, सौभाग्य दिया प्रभु कि हम आपकी मेज में शरीक हो सके। लॉर्ड आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमारे को अपना मांस और लहू दिया प्रभु। प्रभु आपका बहुत धन्यवाद होता कि हम एक आपके साथ एक हो सके। लॉर्ड आपका बहुत धन्यवाद हो प्रभु जी कि आपने हमें आज तक संभाला है प्रभु। आपने कहा मैं कल आज और हमेशा एक सा हूँ, और जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं वहाँ ज़रूर हाजिर होता हूँ। लॉर्ड हम जानते हैं प्रभु जी कि आप अपने वचन में बाध्य हैं प्रभु, और जो भी आपने बोला प्रभु जब तक वो पूरा ना हो कभी नहीं टलता। लॉर्ड आपका बहुत धन्यवाद हो कि आपने प्रोमिसेस को हमारे लिए रखा प्रभु। आपका बहुत धन्यवाद हो प्रभु जी कि आपने हमारे को शुद्ध होने के लिए प्रभु जी उस ब्लड को रखा प्रभु। ओ प्रभु आपका बहुत धन्यवाद हो कि आप हमारे को छुड़ाने के लिए आए, और आपने हमारा इटर्नल डेस्टिनेशन आज हमारे सामने प्रभु जी साफ किया है, खोला। लॉर्ड आपका बहुत धन्यवाद है करते हैं प्रभु जी आपसे। स्पेशली प्रार्थना करते हैं आज शाम के लिए, आप आए हमसे, हम कलाम हो, हमसे बातचीत करें, अपनी मीठी धीमी आवाज से हमसे प्रभु जी हमें अपने वचन की रोटी तोड़ तोड़ के खिलाएं प्रभु जी। इस वचन को और ज़्यादा क्लीन करें प्रभु जी, ताकि हमारे आँखों में से ये चीज़ें प्रभु जी ओझल ना हो प्रभु जी। और अनुग्रह करें प्रभु कि हम डे और नाइट हमेशा इसके बारे में सोचते रहें और अपने जाने को प्रभु जी पक्का कर सके। लॉर्ड आप ऐसा अनुग्रह करें। आपसे स्पेशली प्रार्थना करते हैं आज शाम की मीटिंग के लिए, अपने अजीज़ भाई पास्टर भाई के लिए प्रभु जी जो आते हैं प्रभु जी, आप उनको माइटली इस्तेमाल करें प्रभु जी। प्रभु आपका आत्मा यहाँ फ्रीली मूव कर सके प्रभु जी, हमें सुनने वाले कान दें ताकि हम वो सुन सके जो आत्मा हमसे बातचीत करते हैं प्रभु जी। सब बातों में आपको आदर और महिमा देते हुए छोटी सी विनती प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से होकर मांग लेते हैं, आमेन। विल सिंग दैट सॉन्ग, आई विल एंटर द होली ऑफ होलीज, हालेलुया। I'll enter the holy of holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor I am. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship. Through the blood of the Lamb, I enter to worship. Amen. My soul purpose. I enter to honor that great I am. Lord, I worship you. For your name is
holy, my Lord. Hallelujah. Your name is holy. For your name is holy. Holy Lord. Once again, for your name. Oh, for your name. Yes, Lord, we worship you. Far above this humanistic realm, try to approach you, Lord. Oh, enter thy throne, enter that realm where everything is possible, to look upon ourselves, Lord, thy grace bestowed upon us, giving us this access that we may be perfect in your sight. Hallelujah. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. For your name is holy. Holy Lord. For holy, holy Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. आप वो सराफों की, उन एंजल्स की वर्शिप को प्रभु जी बहुत दिन तक सुन निभाए. And you plan a device, and rather devise a plan, Father, that you step down, जहां आपके बच्चे आपकी attributes में होते हुए आपकी worship कर सके, Lord. Hallelujah, आपके नाम की तारीफ हो. Thank you, Jesus. Amen. एक और गीत गाएंगे. मेरे मन तू सदा कहता रहे, यहोवा ही धन्य है. Amen. Thank you, Jesus. मेरे मन तू सदा कहता रहे, यहोवा ही धन्य है. दिल की गहराई से आराधना उस पवित्र की करे. मेरे मन तू सदा कहता रहे, यहोवा ही धन्य है. दिल की गहराई से आराधना उस पवित्र की. वंस अगेन. ओ मेरे मन तू सदा. Hallelujah. Amen. Yehovah hi danye. Dil ki gehrai se aaradhna us pavitr ki kare. Dhani prem ka aur vilam se krodh karta hai. आपका नाम है मान करुणा निधान. हालेलुया. सारी भलाइयों के लिए मैं आपका हूँ. हालेलुया. कारण कई हजार मेरा दिल गवारा है. मेरे मन तू सदा. Many reasons to thank you this evening. Oh, hallelujah, your mercies never comes to an end. They are new every morning. His grace, divine grace. Hallelujah. Oh, aradhana us pavitra ki kare. Oh,
मेरे मन तू सदा कहता रहे, यहोवा ही धन्य है। दिल की गहराई से आराधना उस पवित्र की करे, उस पवित्र की करे, उस पवित्र की करे। हालेलुया, आमेन। दिल की गहराइयों से आराधना उस पवित्र की करे। आप लोग बैठ सकते हैं। आमेन। एक गवाही के लिए मैं इनवाइट करूंगा अपने अजीज भाई अनिल चावला को। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और उसके बाद सिस्टर मंजू डेविड तैयार हैं गवाही के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू सबको। मैं आपको, मेरी गवाही है कि मेरे बेटे को वो डेंगू हो गया था। 27 तारीख की बात है। 27 के बाद 28 29 चलता रहा। कभी ब्लड कम हो रहा है, कभी प्लेट कम हो रहे हैं, कभी भी बुखार ज़्यादा चल रहा है, कभी बीपी कम हो रहा है। दुआ रखी गई, दुआ में सारा काम हुआ। और फिर उसके बाद क्या हुआ, एकदम से क्या हुआ, 30 तारीख को मेरे पड़ोसी थे, उसकी डेथ हो गई। तो थोड़ा सा घबरा गए हम। उधर डेथ हो गई, 31 तारीख को वीरवार था, यहाँ पे प्रार्थना हुई, तो शाम को उसके प्लेट रेट बढ़ने शुरू हो गए। और मैं बड़ा खुदा का तेरे बात। और वो 2 तारीख तक 1,20,000 हो गए थे। वो 3 तारीख को उसके 1,70,000 हो गए। खुदा ने छुट्टी दी। मैं घर में बैठा हुआ दुआ ही कर रहा था, यहाँ भी दुआ चल रही थी। मैं जो भी भाई करमपाल जी ने किताब दी है वो इब्रानियों 11 की, उसको पढ़ रहा था। और कल मैं उसी को ख़त्म किया, उसका 25वां अध्याय है, जो कि सिर्फ निर्गमन 12 और टोकर को वैसे ऊपर है। और मैं इतना आनंदित हुआ था, मैंने कहा खुदा ने एक तरफ तो क्या कहते हैं उसको, गोशन में तो जीवन दे दिया और मिस्र में मृत्यु दे दी। ये खुदा का नाम बुलाओ। सब भाई बहनों को खुदा का धन्यवाद करना। उन्होंने दुआ की, उसके लिए माफ़ का धन्यवाद करते हैं। प्रभु का नाम बुलाओ। आमीन। खुदा के नाम की तारीफ हो। खुदा ही है जो जीवन के देने वाले हैं। हालेलुया। मैं सिस्टर मंजू को इनवाइट करूंगा। सभी भाई बहनों को प्रेज लॉर्ड। मैं खुदाबंद का धन्यवाद देती हूँ कि खुदाबंद ने मुझे बहुत आराम दिया, चंगाई दी है। इसीलिए कि ऐसा था कि पिछले 4 महीनों से मैं बहुत परेशान थी, कि मेरे घुटनों में बहुत दर्द था, मेरे को बैठने उठने में भी बहुत परेशानी हो रही थी, सहारा लेके उठना बैठना और दुआ करने तो बिल्कुल घुटने पर आ ही नहीं पा रही थी मैं। तो मैंने दिखाया डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने पहले दवाई दी, बोले अगर दवाई से आराम नहीं आता है तो आपको टेस्ट कराना पड़ेगा, मुझे लगता है आपको गठिया की प्रॉब्लम है, जो पेन आपको जगह जगह जॉइंट्स में हो रहा है, जॉइंट्स आपके ब्लॉक हो रहे हैं, तो एक बार आप टेस्ट करा लो। तो मैंने टेस्ट कराया और टेस्ट का रिपोर्ट मेरे पर्स में ही था, और मैं पर्स में लेके घूम रही थी कि मैं, रिपोर्ट तो आ गई है, मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी, डॉक्टर क्या बोलेंगे। उससे पहले मैं बार बार जब भी दुआ करने जाऊँ तो मैं खुदावंद से ही बोलूँ, खुदावंद मैं नहीं चाहती हूँ मैं किसी बीमारी में पड़ूँ। और मैं बहुत डरी हुई थी कि मैं जानती हूँ गठिया होता है तो कैसे कैसे लोगों के साथ होता है। तो मैं बस खुदाबंद के साथ यही प्रार्थना में रख रही थी कि मैंने सुना था कि कैसे खुदाबंद काम कर रहे हैं, हमारे बीच में कर रहे हैं, जो नबी के टाइम हो रहा था वो आज फिर से दोहर रहा है। कैसे हम देख रहे हैं चलती फिरती गवाहियों को, जैसे हमारे बच्चे चिराग को खुदा ने चंगाई दी, कैसे हमारे बच्चे
सिलास पॉल के बच्चे को दिए खुदा ने चंगाई, कैसे हमारी बहन सीरत को दी। मैं बार बार उन्हीं बातों को रिपीट कर रही थी। अभी हाल ही में हमारी बहन सुनीता ने जो गवाही दी कि कैसे वो सिस था, लेकिन डॉक्टर ने जब टेस्ट किया तो वो सिस गायब हो गया। तो मैं वही बातें कह रही थी, खुदाबंद मैं ऐसा ही कुछ चाहती हूँ अपने जीवन में कि मैं जब जाऊँ डॉक्टर के पास तो डॉक्टर ऐसा ही कुछ बोले। और 4 से 5 दिन तक मैं रिपोर्ट अपने पर्स में रखी रही, मैं गई नहीं। मेरा टाइम होता है प्रार्थना का, जब लंच टाइम होती है 3 बजे की, तो मैं एक बुक पढ़ रही हूँ मैसेज का, जो है दाऊद, वो महान योद्धा दाऊद। तो उसमें मैं पढ़ रही हूँ, जब लास्ट में मैं आई हूँ तो वहाँ पर भाई ब्रैनम जो हैं सारे बीमारों के लिए दुआ कर रहे हैं, कभी बहन के लिए, भाई के लिए, एक एक बोल के। तो मैं रोज़ उसी को पढ़ रही हूँ, एक एक दो दो पन्ने पढ़ती हूँ। मैंने ऐसा हुआ, जिस दिन मुझे जाना था रिपोर्ट दिखाने के लिए, मैंने पढ़ा तो उसमें जैसे ही मैंने मैसेज का पैरा खोला तो कह रहे हैं भाई, कह रहे हैं बहन आप कैसी हैं। मैंने कहा मैं भाई भाई बिल्कुल ठीक हूँ। फिर भाई दुआ कर रहे हैं कि आपके पास जो भी बीमारी है, आपको बहरेपन की दुष्ट आत्मा सता रही है, आप चंगी हो जाएंगी। मैंने कहा भाई मैं विश्वास करती हूँ। इतने में ही मेरा कॉल आया कि आपको सर नीचे बुला रहे हैं, आप आ जाओ। मैं मैसेज में आगे नहीं जा पाई, मैंने मैसेज बंद किया, पर्स में रखा, मैं चली गई। और मेरा उसी दिन अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के पास। मैंने अपना रिपोर्ट उठाया और गई डॉक्टर के पास। वहाँ गई, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने रिपोर्ट देखा, कह रहे हैं कि आपको तो कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई गठिया नहीं है। और बल्कि उन्होंने 4-5 टेस्ट मेरे लिखे थे, हो सकता आपको ये हो सकता आपको ये हो। उसने बोला नहीं, आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, आप 1 हफ्ता दवाई खाओ और बाकी मुझे नहीं लगता आपको आगे दवाई की भी ज़रूरत है। और मैं खुदा का धन्यवाद दी और मैं घर आ गई। और 2-3 दिन ऐसा हुआ कि मैं उस अपने लंच रूम में जा ही नहीं पाई कि मैं उस मैसेज को निकालूं और पढ़ूं। जब 3 दिन के बाद बारी आई कि मैं दोबारा पढ़ूं, तो जब मैं पढ़ रही हूं तो भाई यही कह रहे हैं कि बहन आपको जो लेडीज़ वाली प्रॉब्लम है, जिससे मेरे को प्रॉब्लम थी, और जो आपको ये गठिया की प्रॉब्लम थी ना, मैं विश्वास करता हूं कि आप चंगी हो गई हैं, और आप भी इसी को विश्वास करें, इस विश्वास के साथ घर जाएं। मैं खुदाबंद का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि खुदाबंद ने चंगाई मेरी उसी दिन रखी थी, और वो मेरे लिए साथ बात करने के लिए बैठे भी थे वहाँ पर, लेकिन मैंने पेशेंस नहीं रखा कि मैं अगर 2 पन्ने और पढ़ती तो शायद खुदा मेरे को खुदा की तरफ से वो चंगाई मिल जाती। लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए कि हमें सब्र के साथ खुदा के साथ लगना चाहिए, सुनना चाहिए कि खुदा हमसे क्या कहना। जिस रूप में मैं चाहती थी खुदा ने उसी रूप में मुझे चंगाई दी। मैं खुदाबंद का धन्यवाद देती हूँ। खुदा के नाम की तारीफ हो। एक गीत है बहुत पुराना, बट देन हम लोगों ने काफ़ी शायद पहले कभी नहीं गाया होगा। माय होप इज इन द लॉर्ड फ्रॉम दिस टाइम ऑन एंड एवर मोर। हालेलुया। माय होप इज इन द लॉर्ड फ्रॉम दिस टाइम ऑन एंड एवर मोर। My hope is in the Lord forevermore. My hope is in the Lord from this time on and evermore. Oh, my hope is in the Lord forevermore. I stand in awe within the presence of the Lord, in whom the wisdom of the ages lies, for whom the raging of the sea subsides, the living sacrifice, the only source of life. My hope is in the Lord this time on and evermore. Oh, my hope is in the Lord forevermore. Once again, my hope is in the Lord
this time and evermore. Oh, my hope is in the Lord forevermore. His tender mercies come with every rising sun to meet the sinner in his brokenness, to offer healing and forgiveness. And those who trust in him will find their hearts at rest. My hope is in the Lord. I'm on and evermore. Oh, my hope is in the Lord forevermore. I stand in awe within the presence of the Lord, in whom the wisdom of the ages lies, for whom the raging of the sea subsides. The living sacrifice, the only source of life. Oh, my hope is in the Lord. This time on and evermore. Oh, my hope is in the Lord forever. My hope forevermore. My hope is in the Lord. From this time, think about His love, His grace, His tender mercies. Oh, in whom the wisdom of ages lies. He knew when you'll come on this earth. He knew when you have to be here so that you can meet your messenger. Oh, hallelujah. He who rages, oh, He who calms the raging of the sea. My hope is in the Lord. This time on, since worship Him, and evermore. Oh, my hope is in the Lord forever. My hope. Oh, my hope is in the Lord. Oh, taste and see that the Lord is good. Think about the great happening that has occurred between you. Think about the healings, the visitation that He done in your life. Oh, hallelujah, my hope is in the Lord forevermore. Once again, my hope is in the Lord. This time on and evermore. Oh, my hope is in the Lord forevermore. Hallelujah. We worship you, my Lamb, the living sacrifice, only source of my life. Hallelujah. Amen. And He that the Son has set free is free indeed. In Christ alone my hope is found. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. While you're standing, let's sing that chorus. Only believe all things are possible. Aur jab hum is chorus ko karenge, main invite karunga apne aziz pastor ko, bhai Joshua ko. Thank you, Lord. Hallelujah. Only believe. Oh,
believe, and all things are possible. Only believe, my Lord, I believe, my Lord, I believe that all things are possible. Jesus is here, precious Pastor and Brother Joshua. My Jesus is here, and all my Jesus is. My Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here, my Lord, I receive, my Lord, I receive that all things are possible. My Lord, I receive. My Lord, I receive. My Lord, I receive. And all things are all. My Lord, I receive. Thank you, my Heavenly Father. धन्यवाद हैं बस स्वर्गीय पिता for this evening you've given us. इस शाम के लिए जो आपने हमें दी है. Under your shed blood we come. आपके बहाए हुए लहू के तले हम आते हैं खुदावन. Desiring another time of fellowship with you. एक और संगति के मौके की चाहत रखते हैं आपके साथ. We break the bread of life for us. कृपया करके जीवन की रोटी को हमारे लिए तोड़ें. And feed the lambs. और अपने मेमनों को भोजन खिलाएं. Especially in these last days. खास तौर से इन अंत के दिनों में खुदावन. When we can see the modern events. जबकि हम आधुनिक घटना को देख पा रहे हैं. Made clear by the prophecy. जो कि भविष्यवाणी द्वारा स्पष्ट होते हैं. एंड यू ब्रेकिंग द ब्रेड ऑफ लाइफ. और आप जीवन की रोटी तोड़ते हुए ओपनिंग द आईज. आंखों को खोलते हैं. एंड गिविंग अस अ साइन. और हमें एक चिन्ह देते हैं. ऑफ द रिजरेक्टेड लॉर्ड. उस पुनरुत्थानित मसीह का. कम अमंगस्ट अस लॉर्ड. आइए हमारे बीच में प्रभु. एंड टॉक विद आवर हार्ट्स. और हमारे हृदयों से बात करें. वी ब्रिंग आवरसेल्व्स आवर वाइव्स चिल्ड्रन द चर्च अंडर योर ब्लड. हम अपने आप को हमारी पत्नियों और हमारे बच्चे कलीसिया को आपके लहू के नीचे लेके आते हैं. Break this bread of life for us. इस जीवन की रोटी को हमारे लिए तोड़ें खुदावन. In the name of Jesus Christ, Lord, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं. Amen. Amen. And while we all standing, जबकि हम सब खड़े हैं, let's turn to the book of Acts, chapter 26. आइए निकालेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 26वां अध्याय. And we are going to read from verse 15. और हम उसकी 15वीं आयत से पढ़ेंगे. Till just a minute. Yes, we are going to read till verse 20. 20वीं आयत तक. And I said, Who art thou, Lord?
And he said, I am Jesus whom thou persecutest. But rise and stand upon thy feet. For I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and a witness both of these things which thou hast seen, and of those things in the which I will appear unto thee. Amen. Delivering thee from the people and from the Gentiles unto whom now I send thee, to open their eyes and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Yeah. Whereupon, O King Agrippa, I was not disobedient unto the heavenly vision. Amen. But shewed first unto them of Damascus and at Jerusalem and throughout all the coasts of Judea, and then to the Gentiles that they should repent and turn to God and do works meet for repentance. मैंने कहा, हे प्रभु, आप कौन हैं? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ, जिसे तू सताता है। परंतु तू उठ, अपने पांवों पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी हैं, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा, और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले, कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से खुदा की ओर फिरें, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास पाएं। अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के और तब यहूदिया के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और खुदा की ओर फिर कर मन फिराओ के योग्य काम करो। And then in Acts 23, फिर प्रेरित काम 23वें अध्याय में, and we are reading verse 11, और हम 11वीं आयत पढ़ रहे हैं। And the night following, the Lord stood by him and said, Be of good cheer, Paul, for as thou hast testified of me in Jerusalem, so must thou bear witness also at Rome. उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढांढस बांध, क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसी ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। Lord, we thank you for thy word. प्रभु, हम आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। Break the bread of life for us. जीवन की रोटी को हमारे लिए तोड़ें. And feed the lambs tonight. और आज रात्रि अपने मेमनों को भोजन खिलाएं. And as we go from this place. और जबकि हम इस स्थान से जाएं. May we say it was good that we came to the house of the Lord. ऐसा हो कि हम ये कहें कि ये भला हुआ कि हम खुदावन के भवन में आए. For he heard our prayers. क्योंकि उन्होंने हमारी दुआओं को सुना है. And may the people receive something real. खुदावन, ऐसा हो कि लोगों को कुछ हकीकी चीज मिल पाए. They can have a grip upon. जिस पे वो अपनी खुदावन पकड़ कर पाए, that when they go from this place, कि जब वो यहां से जाएं, they stand confirmed, वो पक्का पुष्टिकृत खड़े हो पाए, that the Lord is with them, कि प्रभु उनके साथ है, and he is doing something amongst us, और वो कुछ खास हमारे बीच में कर रहे हैं। Take every evil and demonic spirit from this place, हर एक दुष्ट और बुरी दुष्ट आत्मा को इस जगह से ले जाएं, from our families and Church and bind that in hell for the day of destruction. हमारे परिवारों से, कलीसिया से और उसे विनाश के दिन के लिए अधलोक में बांध दें। Let the sweet Holy Spirit reign amongst us. और आपका प्यारा पवित्र आत्मा हमारे बीच में राज करे। Under your blood we come. आपके लहू के नीचे आते हैं प्रभु। In the name of Jesus Christ, our Lord, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। Amen. Amen. You can be seated. आप सब बैठ सकते हैं। God really bless you all. खुदावन आप सबको बहुत ऐसे बरकत दें। It's a nice privilege to be with the church of the living God. ये बहुत ही बढ़िया सौभाग्य की बात है कि जीवते खुदा की कलीसिया के साथ हम हों। To fellowship around His word. ताकि उनके वचन के चौगिर्द हम इकट्ठा होकर संगति करें। Before we go in the communion service. इससे पहले हम प्रभु भोज की सभा में जाएं। Amen. And the Lord has talked with us. और प्रभु ने हमारे से बात की है। And the morning we heard the message. और सुबह हमने संदेश को सुना है।
And I believe the Lord had talked with your hearts. Amen. और मैं विश्वास करता हूँ कि खुदावन ने आपके हृदयों से बात की होगी. He that is in us. वो जो हम में हैं. Is greater than he that is in the world. वो उससे बढ़कर है जो कि संसार में है. Amen. Amen. And there were some thoughts I was also going through today morning. और कुछ ऐसे विचार थे जिसको मैं देख रहा था आज सुबह. And somehow the Lord really blessed me. और किसी रीति से खुदावन ने मुझे बहुताय से बरकत दी. Let's turn to the book of Isaiah. आइए निकालें यशायाह की किताब. And we turn to chapter 65. और हम निकालेंगे उसका 65वां अध्याय. And there's a verse there. और वहाँ पर एक आयत है. Which our prophet also quotes. जो हमारे नबी भी बोलते हैं. And we are going to read now from verse. We'll read verse 16. हम 16वीं आयत पढ़ेंगे. That he who blesseth himself in the earth shall bless himself in the God of truth. And he that sweareth in the earth shall swear by the God of truth, because the former troubles are forgotten, and because they are hid from mine eyes. तब सारे देश में जो कोई अपने को धन्य कहेगा, वो सच्चे खुदा का नाम लेकर अपने को धन्य कहेगा, और जो कोई देश में शपथ खाए, वो सच्चे खुदा के नाम से शपथ खाएगा, क्योंकि पिछला कष्ट दूर हो गया और वो मेरी आंखों से छिप गया है. Just before this verse is verse 15. ठीक इस आयत से पहले 15वीं आयत है. And he shall leave your name for a curse unto my chosen, for the Lord God shall slay thee, and call his servants by another name. मेरे चुने हुए लोग तुम्हारी उपमा दे देकर शाप देंगे, और प्रभु यहोवा तुझको नष्ट करेगा, परंतु अपने दासों का दूसरा नाम रखेगा. Another name. एक और नाम. That he who blesseth himself in the earth shall bless himself in the God of truth. तब सारे देश में जो कोई अपने को धन्य कहेगा, वो सच्चे खुदा का नाम लेकर अपने को धन्य कहेगा. A name would be revealed in that time. Amen. एक नाम उस समय में प्रकट होगा. By which my servants shall be called. जिसके द्वारा मेरे दास बुलाए जाएंगे. And they will have a revelation of that name. और उनके पास एक प्रकाशन होगा उस नाम का. That he who blesses himself. कि वो जो अपने आप को बरकत देगा. Shall bless himself in the God of truth. वो उस सच्चे सच्चे खुदा के नाम में बरकत देगा. And he that sweareth in the earth. और वो जो कोई शपथ खाएगा पृथ्वी में, shall swear by the God of truth, वो सच्चे खुदा के नाम से शपथ खाएगा, because the former troubles are forgotten, क्योंकि पिछला कष्ट सब भुला दिया गया है, and because they are hid from mine eyes, और अब वो मेरी आंखों से छिप गया है. Isaiah prophesying of the last days, यशायाह अब नबूवत कर रहा अंत के दिनों के लिए. And how Brother Branham took this and tied it to the Laodicean church age, और कैसे भाई ब्रैनम ने इसको लिया और जोड़ा लौदीकिया कलीसिया काल से. And if you hold this verse on one side and turn to Revelation chapter 3, और अगर एक तरफ आप इस आयत को रखें और अपने साथ निकाल लें प्रकाशवा के 3rd अध्याय. And we've shared these things before. हमने इन बातों को पहले भी रखा है. This is the address of God to the Laodicean age. ये है संबोधन खुदावन का लौदीकिया कलीसिया काल को. Which you find in verse 14. जिसको आप 14वीं आयत में पाते हैं. And unto the angel of the church of the Laodiceans write, these things saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. लौदीकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और खुदा की सृष्टि का शुरुआत है, वो ये कहता है. And now Brother Branham took that word amen. अब भाई ब्रैनम ने इस शब्द आमीन को लिया. And searched it in the scriptures. और उसे ढूंढा वचन में. And came to this very verse we read in Isaiah 65. और ठीक इसी आयत पे आए जो कि हमने यशायाह 65वें अध्याय में पढ़ी थी. And I'm read that again for you. और मैं इसे फिर से आपके लिए पढ़ूंगा. The prophet says. नबी ये कहते हैं. That he who blesseth himself in the earth shall bless himself in the God of truth. अब वो जो अपने आप को मुबारक कहेगा, वो अपने आप को खुदा के नाम, सच्चे खुदा के नाम से मुबारक कहेगा. एंड देन ही एक्सप्लेन्ड इट. और तब उन्होंने इसको समझाया. यस दैट इज ट्रू. हाँ, ये बात सत्य है. बट द रियल ट्रांसलेशन इज नॉट गॉड ऑफ ट्रूथ. पर जो सही अनुवाद है वो ये नहीं है, सच्चाई का खुदा. इट इज गॉड ऑफ द एमेन. वो ये है जो आमीन का खुदा है. Now that's the real translation. अब ये है सही अनुवाद. So Isaiah 65 is giving us an insight into a period of time
when people will be worshiping the God of Amen. Amen. तो यशाया 65 हमें एक बात समझा रहा है ऐसे समय के बारे में जब लोग जो हैं आमीन के खुदा की उपासना कर रहे होंगे. And if I read that verse again in this context, और अगर इस संदर्भ को लेके मैं शायद को फिर से पढूं, he who blesses himself, blesseth himself, कि वो जो अपने आप को धन्य कहेगा, in the earth shall bless himself in the God of Amen. वो अपने आप को धन्य आमीन के खुदा के नाम में कहेगा. And he that sweareth in the earth shall swear by the God of Amen. और जो कोई पृथ्वी पर शपथ खाएगा वो खुद आमीन के खुदा के नाम से शपथ खाएगा. Because the former troubles are forgotten. क्योंकि पिछला पुराना कष्ट सब भुला दिया गया. Something happened when this Amen came. Amen. कुछ हुआ जब ये आमीन आए. That the former troubles are forgotten. कि सारे जो पुराने जो कष्ट थे सब भुला दिए गए. And because they are hid from my eyes. और अब वो मेरी आंखों से छिप गए हैं. Something happened when Amen arrived. कुछ खास हुआ जब वो आमीन आए. And there's an elect who got a revelation of that Amen. और एक चुनावा है जो कि प्रकाशन पा रहा है उस आमीन का. And that didn't happen in Ephesus. और ये इफिसुस के युग में नहीं हुआ. Or Smyrna, or Pergamos. या स्मुर्ना में या पर्गमोस में. But through the angel of the church of Laodicea. पर लौदीकिया के कलीसिया के दूत को ये लेख. I know I've read this paragraph before you before. मैं जानता हूँ कि मैंने इस अनुच्छेद को आपके सामने पहले ही पढ़ा है. I'm reading it again in some context. मैं एक संदर्भ में हो के इसको कुछ पढ़ रहा हूँ. And if you can listen to this. और अगर आप इसको सुन पाएं. Thus saith the Amen. यूं कहता है आमीन. When he's reading the address to the Laodicean age. जब वो उस संबोधन को पढ़ रहे हैं लौदीकिया कलीसिया काल के लिए. जीसस इज द एमेन ऑफ गॉड. यीशु ही खुदावंद के आमीन है. What does that amen means? इस आमीन का मतलब क्या है? जीसस इज द सो लेट इट बी. यीशु है ऐसा हो जाए. When God says amen, जब खुदावंद आमीन कहते हैं, it means God is saying let it be. इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं ऐसा हो. Amen stands for finality. Amen दर्शाता है एक निर्णायकता को, पूर्णता को. Jesus is the so let it be of God. तो यीशु जो है खुदावंद के ऐसा हो जाए हैं. Amen stands for finality. Amen खड़ा होता है, दर्शाता है निर्णायकता को. There's nothing above that. अब इसके ऊपर कुछ और नहीं है. It stands for approval. ये किसी बात को होने देने के लिए, अनुमति देने के लिए कि ऐसा हो, उसके लिए खड़ा होता है. इट स्टैंड्स फॉर प्रिवेलिंग प्रॉमिस. ये खड़ा होता है उस जीतने वाले वायदे के ऊपर. अ प्रॉमिस दैट प्रिवेल्स. एक ऐसा वायदा जो हावी होता है. इन अदर वर्ड्स, सम थिंग्स विल हैपन, देयर विल बी सम शॉर्टफॉल्स और सम स्टंबलिंग ब्लॉक्स, बट नथिंग कैन स्टॉप दिस एमेन. आमीन. इसका मतलब यह है कि कुछ कुछ हो जाएगा, कि कुछ कमी रह जाए, कुछ त्रुटि आ जाए या कुछ गिरावट हो, पर ये जो आमीन है ये खड़ा रहेगा, उस सब पे हावी हो जाएगा. नो मैटर व्हाट द सिचुएशन. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हालात हो. बस आमीन हैज सेड इट. क्योंकि आमीन ने इसको कह दिया है. दैट प्रॉमिस विल स्टैंड. तो फिर वो वायदा विद्यमान है. इट्स अ प्रिवेलिंग प्रॉमिस. ये सब चीज पे हावी होने वाला वायदा है. नो मैटर हाउ मच द स्क्वीजेस. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना दबाव आए. नो मैटर हाउ द एनिमी राइजेस इन अ फ्लड. इससे कोई मतलब नहीं है कि एक बाढ़ की नाई दुश्मन आके खड़ा हो जाए. व्हेन द बाइबल सेड. जब बाइबल ने कह दिया है. द स्पिरिट ऑफ गॉड विल रेज अ स्टैंडर्ड. खुदा का आत्मा एक झंडे को खड़ा करेगा. इट्स अ प्रिवेलिंग प्रॉमिस. तो ये जयवंत होने वाला वायदा है. व्हाटएवर हैपेंस. जो कुछ भी हो जाए. The Amen of God has arrived. खुदा का आमीन वहां आ गया है. Next thing it says. अगली चीज वो ही कहता है. It stands for unchanging promise. ये ना टलने वाला, ना बदलने वाले वायदे को भी दर्शाता है. God never changes the promise. खुदावन वायदा कभी भी बदलते नहीं है. He never changes the language of the promise. वो वायदे की भाषा को भी नहीं बदलते. A promise made 6,000 years back still holds same today. एक वायदा जो 6,000 साल पहले किया गया था आज भी वो वैसा ही खड़ा हुआ है. Whatever he said,
Stand still today. जो कुछ उन्होंने पहले कहीं कहा है वो आज भी लागू है. His words are unchanging. उनके वचन ला तब्दील हैं. He can never change his mind. वो अपनी विचारों को मन को कभी बदल नहीं सकते. Regarding his word. अपने वचन को लेके. That's why you can hang on. Amen. To every word. Amen. That this will never fail. इसलिए आप हर एक वचन को पकड़े रह सकते हैं, थाम सकते हैं कि हाँ ये वो चीज है जो कभी टलेगी नहीं. Kingdoms come, kingdoms fall, presidents and prime ministers come and they go, and civilizations come and they go, but one thing can never fail, and that's his eternal word. राज्य आएंगे, राज्य चले जाते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते हैं और वो चले जाते हैं, कई लोग सभ्यताएं आती हैं चली जाती हैं, पर एक चीज है जो कि हमेशा है, अनंत है, वो खुदा का वचन है. Something that can never, never fail. जो कोई चीज ऐसी है जो कभी टल नहीं सकती. And that is the amen of God. और ये है खुदा का आमीन. In other words, I'll show you something. दूसरे शब्दों में आपको दिखाऊंगा. It stands for unchanging promise. ये खड़ा होता है ला तब्दील वायदे के लिए. Then he said, it stands for the seal of God. और फिर ये खुदा की छाप के लिए भी खड़ा है. When God says amen, जब खुदावन आमीन बोलते हैं, on something, किसी बात पे, he's putting a seal upon that. वो उस पे एक मोहर कर रहे हैं. And when that seal is put upon that, और जब वो मोहर उस पे लगा दी जाती है, it means it's official. ये अब इसका मतलब ये है, ये अधिकृत है. Now nobody can break that seal. अब कोई है नहीं जो उस मोहर को तोड़ पाए. Can you say amen to that? क्या आप इसमें आमीन कह सकते हैं? Heavens and earth can pass away. आकाश और पृथ्वी तो टल जाएंगे. But my words can never fail. पर मेरा वचन हरगिज नहीं टलेगा. Amen. Listen, I want to show you something. सुनिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ. These things saith the amen. ये बातें वो कहता है जो आमीन है. And now he connects that with Isaiah 65. और अब वो इसे जोड़ते हैं यशायाह 65 से. Isaiah is prophesying. आप देखेंगे यशायाह नबूवत कर रहे हैं. This verse comes later. ये आयत बाद में आती है. He who blesses himself will bless himself in the God of Amen. कि वो जो अपने आप को धन्य कहेगा वो आमीन के खुदा के नाम में धन्य कहेगा. But आपने अभी पूरा नहीं पढ़ा. When you start reading from verse 1. जब आप पहली आयत से पढ़ना चालू करते हैं. I am sought of them that ask not for me. जो मुझको पूछते नहीं भी न थे वो मेरे नहीं, हिंदी में गलत है, उनको मैं मिल गया हूं. I am sort of them that ask not for me. जो मुझको पूछते भी ना थे वे मेरी खोजी हैं. I am found of them that sought me not. जो मुझे ढूंढते भी ना थे उन्होंने मुझे पा लिया. Amen. I said, behold me unto a nation. मैंने और जो जाति मेरी नहीं कहलाई थी उससे भी मैं कहता हूं, देख मैं उपस्थित हूं. Behold me unto a nation that was not called by my name. वो देश जो मुझ जो मेरे नाम का नहीं कहलाता था उससे उस जाति से मैंने कहा, मुझे देख. एक ऐसा देश जो मुझे नहीं जानता था. Yes. उससे मैंने कहा मुझे देख. अरे देखे कैसे, तू तो आप तो आत्मा है. नहीं नहीं, मैंने अपनी तस्वीर छपवाई है. हालेलुया. मुझे देख. Amen. मुझे देख. हालेलुया. Amen. Talking about Israel. बात करते हुए इसराइल के बारे में. I spread out my hands all the day unto a rebellious people. Which walketh in a way that was not good after their own thoughts. मैं एक हठीली जाति के लोगों की ओर दिन भर हाथ फैलाए रहा जो अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे मार्गों में चलते हैं. He's talking about the Jews. वो बात कर रहे हैं यहूदियों के बारे में. And Paul picks the same verse in Romans 11. Amen. और पौलुस इसी आयत को उठाते हैं रोमियो 11 में. And tells that this prophecy was fulfilled. और बताते हैं कि ये नबूवत पूरी हुई. That God gave the first chance to the Jews. कि खुदावन ने पहला मौका जो है यहूदियों को दिया. But they rebelled. पर उन्होंने बलवा किया. They had their own thoughts. वो उनकी अपने विचारधारा थी. But later when he turned to the Gentiles. पर बाद में जब वो अन्य जातियों की ओर I was found of them.
मैं उनके द्वारा पा लिया गया that didn't seek me, जो मुझे ढूंढते ना थे but I came to them, पर मैं उनके पास आ गया they found me, उन्होंने मुझे पा लिया talking about the shift from Jews to the Gentiles, बात करते हुए उस बदलाव के लिए जो कि यहूदियों से अन्य जातियों की ओर हुआ and if I go a little deeper, और अगर मैं थोड़ी गहराई में जाऊं this is when the church ages began, ये वो समय था जब कलीसिया काल चालू हुए when the gospel shifted to the Gentiles, जब जो सुसमाचार अन्य जातियों की ओर फिरा in seven church ages, सात कलीसिया कालों के दौरान I was found of them, मैं उनके द्वारा पा लिया गया who didn't seek me, जो मुझे खोजते ना थे they didn't know nothing about me, उन्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता था they didn't know about the God of Abraham, वो खुदा अब्राहम के बारे में नहीं जानते थे they didn't know the God of Isaac and Jacob, वो इसहाक और याकूब के खुदा के बारे में they were heathens, वो मूर्ति पूजक थे they were मोहनजोदारो and हरप्पा, वो हरप्पा और मोहनजोदारो थे they were just packing idols, वो तमाम मूर्तियों को लेकर ढोके चलते they knew only about certain superstitions, उन्हें कुछ अंधविश्वासों से ही जान पहचान They didn't know the God of Elijah. उन्हें एलिया का खुदा नहीं मालूम था. They didn't know who the real God is. वो नहीं जानते कि हकीकी खुदा है कौन. And the Christianity that was given to them. और मसीहत जो है उनको दी गई. Was a God in three persons. वो ऐसी मसीहत थी जो कि खुदा तीन शख्सियतों में है. They were handed a Babylonian religion. उन्हें एक बाबुली धर्म सौंपा गया. They didn't know what God is. उन्हें नहीं पता था कि खुदा क्या है. But I was found of them. पर मैं उनके द्वारा पा लिया गया. Something happened. कुछ हुआ. I sent a messenger. मैंने एक संदेशवाहक को भेजा. Message. और उसने एक संदेश का प्रचार a किया was broken. एक मोहर तोड़ी गई and when a messenger arrived, और जब एक संदेश वहां गया and he preached that word, और उसने उस वचन का प्रचार किया I was found of them, मैं उनके द्वारा पा लिया गया who were not seeking me, जो मुझे खोज नहीं रहे थे and they found me, और उन्होंने मुझे ढूंढ लिया Now this is the background, अब यह है भूमिका of some people, कुछ लोगों की some Gentiles, कुछ अन्य जातियों के लिए who came in the commonwealth of God, जो कि खुदा के घराने में शामिल हो गए by the promise of God, खुदा के वायदे के द्वारा और बपतिस्मा लो प्रभु यीशु मसीह के नाम में यू शैल रिसीव द गिफ्ट ऑफ द होली गोस्ट और तुम्हें पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा एंड फॉर प्रॉमिसेस अनटू यू क्योंकि ये वायदा तुम्हारे लिए है ज्यूज यहूदियों के लिए टू योर चिल्ड्रन तुम्हारे बच्चों के लिए एंड टू दोज हु आर अफार और वो जो कि दूर दूर के हैं the Gentiles, अन्य जातियों के लिए that they may also come in the commonwealth of God, ताकि वो भी खुदा के घराने में शामिल हो जाएं and Paul said, और पौलुस ने बोला you who are strangers, तुम जो परदेशी थे are now fellow citizens, अब संगी वारिस हो गए हो and you have been made one, और तुम एक बना दिए गए हो God broke the middle wall of partition, खुदावन ने जो दरार थी बीच की उसको हटा दिया है By the blood of Jesus, यीशु मसीह के लहू के द्वारा By his supreme sacrifice, अपने सर्वोच्च कुर्बानी के द्वारा and you are built as a lively house, और तुम एक जीवित घर बनते जाते हो with the apostles and prophets as the foundation, जिसमें प्रेरित और नबी जो है नेव के रूप में and Jesus Christ the principal cornerstone, और यीशु मसीह मुख्य कोने का पत्थर है you are the lively stones, तुम हो जीवित पत्थर you are the royal priesthood, तुम राज्य पदाधिकारी हो तुम बुलाए गए हो तुम चुने गए हो you have been elected, तुम चुने हुए हो who never knew God, जो खुदा को नहीं जानते थे who knew a Babylonian religion, जो बाबुली धर्म से को जानते थे called in the commonwealth of God, पर अब खुदा के घराने में शामिल किए गए हैं brought by a revelation, एक प्रकाशन के द्वारा बुलाए गए हैं before the foundation of the world, क्योंकि जगत की नींव रखने से पहले somebody had you in his mind, कोई था जिसने आपको अपने दिमाग में रखा हुआ था predestinated, आप पहले से ठहराए गए थे आप पहले से जाने गए आप बुलाए गए थे आप धर्मी ठहराए गए आप महिमायुक्त किए गए आप elect आप एक चुने हुए हैं You are the chosen one of God. आप खुदा के चुने हुए हैं in the last days अंत के दिनों में for a purpose एक उद्देश्य के लिए that you come to a revelation कि आप एक ऐसे प्रकाशन पे पहुंचे हैं that I'm coming to night now जिस पे मैं अभी आ रहा हूं notice this brother गौर करिए इसे भाई When the Alpha Age began, जब अल्फा युग चालू हुआ, Paul preached that Amen. पौलुस ने उस आमीन का प्रचार किया, and every messenger brought that Amen for that age. और हर एक संदेशवाहक उस आमीन को उस युग के लिए लेके आया, but that was just a part word. पर ये केवल एक अंश में वचन था, but when the final messenger arrived, पर जब अंतिम संदेशवाहक आया, God was bringing an absolute. खुदावन एक परम सत्य लेके आ रहे थे, He was bringing one final look. वो आखिरी अंतिम झलक लेके आ रहे थे, just before Laodicea finishes. इससे पहले कि लौदीकिया समाप्त हो, just before the candlestick burns out. इसलिए इससे पहले कि शमदान की रोशनी Just before the moon blacks out, इससे पहले कि चांद अंधेरा हो जाए, and the bride recognizes her day and her message, और दुल्हन अपने दिन और उसके समय को पहचान ले, the Laodiceans blacked out, कि लौदीकिया अंधेरा हो चुकी है, ये समय है, for the millennium, ये भविष्य घर का समय है, मिलेनियम का समय है, ये सातवीं वर्ष का समय है, ये तीसरे हाई का समय है, it's time for the plagues, ये विपत्ति का समय है, it's time for a rapture, और ये रैप्चर का समय है, it's time for the genes of God, ये खुदा के जीवांशों का समय है, it's time for God's DNA, ये खुदा के DNA का समय है, to answer back to God, जो वापस खुदा में
plans he had in his mind. वो जो फेरिस उनके दिमाग में थी. Now in the mind of the bride. अब ये दुल्हन के दिमाग में है. In the last days. अंत के दिनों में. Getting ready. और तैयार हो रही है. For a rapture. एक रैप्चर के लिए. In a rapture in faith. एक रैप्चर उड़ाने वाले विश्वास के साथ. और कुछ लोग हैं. Among the Gentiles. अन्य जातियों के बीच में. Who never sought of me. जिन्होंने मेरे को ढूंढा नहीं था. But I was found of them. पर मैं उनके द्वारा खोज लिया गया. They found me. उन्होंने मुझे पा लिया. I told them. मैं उनसे कहा. Behold me. देखो मुझे. Behold me. देखो मुझे. Behold my face. मेरे चेहरे को देखो. Behold my vega. मेरी वीक को देखो. Behold my eyes. मेरी आंखों को देखो. That is the same Jesus. वो वही यीशु है. Same yesterday, today and forever. जो कि कल आज और कल एक समान है. And just see me. अब मुझे देखो. In my present tense. मेरे वर्तमान काल में. In my present ministry. मेरी वर्तमान की सेवा में. In the box I came in. जिसमें मैं आया था. The corn of wheat. वो गेहूं का दाना. Which went down. जो कि नीचे गया था. Has not come back. अब वो वापस आ गया है. As the son of man. मनुष्य के पुत्र के रूप में. In the last days. अंत के दिनों में. To finish the ministry. ताकि सेवकाई को समाप्त करे. To turn to son of David. ताकि दाऊद का पुत्र बन जाए. To bring in a millennium. एक मिलेनियम में आ जाए. To finish the commission. ताकि कमीशन को पूरा करे. To bring a consummation. ताकि एक समापन को लेके आए. To finish the weeks. ताकि To finish the feast. ताकि उन पर्वों को खत्म करे. And bring in the millennium. और मिलेनियम को लेके आए. Bring the anointing of the most holy. उस परम पवित्र अभिषेक को लेके आए. Bring in the atonement. और प्रायश्चित को लेके आए. Bring in a millennium. Bring in a future home. एक मिलेनियम लेके आए. भविष्य घर को लेके आए. Hallelujah. Hallelujah. Above us. एक उद्देश्य some people are called जिसके अनुसार कुछ लोग बुलाए गए in the last days अंत के दिनों में their destiny उनका भविष्य was predestinated ये पहले से ठहरा दिया गया था they were predestinated वो पहले से ठहरा दिए गए थे not to die मरने के लिए नहीं not to be a shameful man एक शर्मनाक आदमी बनने के लिए but to be adopted पर इसलिए कि उनका पुत्र अधिकार हो खुदा के राज्य में called बुलाए गए placed स्थान प्राप्त इनकी सुनो I say you are gods मैं कह रहा हूं तुम खुदा हो that was the purpose ये था उद्देश्य For some people, कुछ लोगों के लिए who didn't know me, जो मुझे नहीं जानते थे sought for me, पर वो मुझे खोज पाए but they found me. वो मुझे खोजते नहीं थे पर मैं उनको पा लिया गया बाइबल ये कहती है as it is written, जैसा लिखा है I'll raise a redeemer, मैं एक छुड़ाने वाला उठाऊंगा a deliverer, एक छुड़ाने वाला from Zion, सायोन से and my nation shall be redeemed, और मेरा राष्ट्र मेरी जाति छुड़ा ली जाएगी but a portion of the Jews, एक हिस्सा यहूदियों का are blinded. उनको अंधा कर दिया गया फुलनेस ऑफ द जेंटाइल्स कम इन जब तक ये अन्य जातियों की परिपूर्णता ना आ जाए आमेन हालेलुया देयर आर सम वाइल ओलिव ब्रांचेस कुछ जंगली दाखलताएं हैं हु हैव बीन ब्रॉट इनटू द रियल ओलिव ट्री आमेन कुछ जंगली जलपाई की डालियां हैं जो कि वास्तविक जलपाई में साट दी गई हैं टू ड्रॉ फ्रॉम इट द स्ट्रेंथ ताकि उससे वो अपने ताकत को लें दैट सेम ओरिजिनल लाइफ वो वही मूल जीवन एंड व्हेन द फ्रूट हैज बीन प्रोड्यूस्ड और जब फल आ गया है दीस ब्रांचेस विल बी कट ये डालियां भी काट दी जाएंगी एंड द फ्रूट विल गो टू Heaven. और जो फल है वो स्वर्ग में जाएगा What does olive produce? ये जो जैतून है क्या पैदा करता है Oil. तेल And when that oil will be seen in the Gentiles. और जब वो तेल अन्य जातियों में दिखेगा The last harvest. वो अंतिम फसल The last shower. वो अंतिम बारिश The latter rain. वो अंतिम वर्षा The Holy Ghost. पवित्र आत्मा की rapture of bride. दुल्हन भी आएगा I'll take those wild olive branches. और उन जंगली जलपाई को मैं ले लूंगा I'll send Moses and Elijah. हम उस और एलिया को भेजूंगा To the Jews. अन्य जातियों में To preach them a message. यहूदियों में ताकि उनको संदेश To bring them the Holy Ghost. ताकि उनके पास पवित्र आत्मा लेके आऊं The Feast of Atonement. और प्रायश्चित के पर पे उनको लेके आऊं ताकि उस रोमी साम्राज्य को खत्म करूं देखो एक तीसरी आती है earthquake, एक भूचाल and the city is broken in three parts, और जो शहर वो तीन हिस्सों में बांट दिया जाता है but a sixth rapture, एक छठे रैप्चर के लिए they both are enraptured, फिर ये दोनों का रैप्चर हो जाता and है 144,000 और 144,000 resurrected, उनका पुनरुत्थान होता है to see the millennium, ताकि मिलेनियम देखे hallelujah, hallelujah, that was his plan, ये उनकी योजना थी that was what he had in his mind, ये वो था जो उनके दिमाग में था I was sought of them, मैं उनके द्वारा खोज लिया गया that asked not for me, जो मेरे लिए पूछते ना थे Now isn't that grace? क्या भी अनुग्रह नहीं है We were not asking, आप बोलने मांग नहीं रहे थे But he came, पर वो आ गए I was found of them, मैं उनके द्वारा खोज लिया गया who didn't even seek me, जो यहाँ तक ये मुझे ढूंढ भी नहीं रहे थे Are you catching that mystery? क्या आप इस भेद को पकड़ पा रहे हैं? Last hour, some people are there, कुछ आखिरी घड़ी में कुछ लोग हैं some Laodicea, कुछ लौदीकिया में I'm speaking specially for this age, मैं खास तौर से इस युग के लिए कह रहा हूँ Isaiah is prophesying of the last days, क्योंकि यशायाह अंत के दिनों के लिए नबूवत कर रहा है And this is a promise right in the end of Isaiah, और ये वायदा है ठीक यशायाह के अंत पे And Brother Branham said Isaiah 66 chapters, और भाई ब्रैनम ने बोला यशायाह
66 अध्याय है and he starts from the beginning, और वो चालू करते हैं शुरुआत से and he finishes in Revelation, और वो अंत करता है प्रकाश वाक्य में 65 and 66, जब 65 और 66 आ रहा है you're ending up the, all the ages, आप हर एक युग का समापन कर रहे हैं and you're coming to the end of the age, और जब आप युग के खात्मे पे आ रहे हैं there's a certain prophecy for a certain people, amen, एक खास नबूवत है खास लोगों के लिए who have to have that blessing in their life, जिनको उस आशीष को पाना है अपने जीवनों में these are the people, ये हैं वो लोग amongst the Gentiles, अन्य जातियों के बीच में chosen, चुने हुए elected, अलग किए हुए that they come to a final revelation, amen, कि वो उस अंतिम प्रकाशन तक पहुंचे Isaiah is foreseeing some elect, यशाया कुछ चुने हुओं को पहले से देख रहा है in that last age, उस आखिरी युग में who are coming to our message, जो कि एक संदेश पे आ रहे हैं who are coming to our revelation, जो कि एक प्रकाशन पे आ रहे हैं and he's telling the people who have rebelled, और वो लोगों को बता रहे हैं जिस जिन्होंने बलवा किया है you shall be slain, कि तुम घात किए जाओगे but I'll call my servants, पर मैं अपने दासों को बुलाऊंगा by another name, एक दूसरे नाम से that name will be revealed in that time, amen, वो नाम उस समय में प्रकट होगा when these servants of mine will know that name, जब ये मेरे दास उस नाम को जान जाएंगे What exactly is the name we don't know? वास्तविकता में क्या है वो नाम हम नहीं जानते But what the name means we know. पर वो जो उस नाम का मतलब है हम जानते हैं He who blesses himself, कि वो जो अपने आप को धन्य कहेगा shall bless himself in the God of Amen. वो अपने आप को आमीन के खुदा में धन्य कहेगा Something will happen in that age. कुछ खास होगा उस युग में In the Laodicean age. उस लौदीकिया युग में That this character of mine, कि ये मेरा चरित्र जो है which is called Amen. जिसे आमीन कहते हैं Final. निर्णायक Prevailing promise. जीवन हावी होने वाला वायदा विल फाइनली डॉन ऑन सम पीपल वो आखिरकार कुछ लोगों पे इसका इसका प्रकाशन फूटेगा पता लगेगा स्टार्ट सीइंग दैट कि जब वो उन जब वो लोग इसको देखने लग जाएंगे स्टार्ट सीइंग दिस आमीन जब वो इस आमीन को देखने लग जाएंगे देयर फॉर्मर ट्रबल्स आर ओवर उनके सारे पुराने कष्ट खत्म हो जाएंगे सिट डाउन प्लीज बैठे कृपया Amen. 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 Let me go a little further with you. थोड़ा आगे चलेंगे आपके साथ. When I read about this amen, जब पढ़ता हूँ इस आमीन के बारे में. When is this amen being addressed? कहाँ पर इस आमीन का संबोधन दिया जा रहा है? I want you to watch this carefully now. मैं चाहता हूँ कि अब इसको ध्यान से देखें आप. And see something really sweet and beautiful. और यहां पर कुछ वास्तविकता में प्यारा और खूबसूरत देखिए I said, मैंने कहा This is his end time revelation of himself. मैंने कहा ये उनका अंत समय वाला अपने आप का प्रकाशन है This is not in the beginning of the ages. ये युगों की शुरुआत नहीं है. This is not Ephesus. ये इफिसस नहीं है. This is not the first coming. ये पहली आमद नहीं है. This is not even the seven church ages. ये यहाँ तक कि सात कलीसिया काल भी नहीं है. He's specifying. वो स्पष्ट रीति से कह रहे हैं. This is the end time. ये अंत का समय है. Revelation. प्रकाशन. Of himself. उनके स्वयं शख्सियत का. In other words, he doesn't reveal like this. In the other ages. दूसरे शब्दों में वो अपने आप को इस तरीके से प्रकट नहीं करते पिछले युगों में He is doing this in a particular age. वो इस काम को एक खास युग में कर रहे हैं Which is the end time. जो कि अंत समय का है End time revelation of himself. अंत समय का प्रकाशन अपने स्वयं का When the day of grace closes. जब अनुग्रह का दिन बंद होता है He is specifying the time when this Name of Amen is revealed. वो उस समय को स्पष्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कब ये आमीन का जो नाम है ये प्रकट हो रहा है When the day of grace closes, जब अनुग्रह का दिन बंद होता है then the millennium comes very shortly thereafter. तब मिलेनियम हजार सालाना बादशाह बहुत जल्दी उसके बाद आ जाती है Doesn't it? क्या ऐसा नहीं है Well, read with me Isaiah 65, 16 to 19, which you just read. तो अब मेरे साथ पढ़िए यशाया 65 16 से 19 He's applying Isaiah 65 16 to 19 when the day of grace is closing and millennium is coming
वो लगा रहे हैं, लागू कर रहे हैं यशाया 65:16-19 पे को, उस समय में जब अनुग्रह का दिन खत्म हो रहा है, बंद हो रहा है और मिलेनियम चालू हो रहा है, बिफोर मिलेनियम, मिलेनियम से पहले, एंड द डे ऑफ ग्रेस क्लोजिंग, और अनुग्रह के दिन को समाप्त होते हुए, I'm asking a sincere question. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, has that time arrived? क्या वो समय आ गया है? Are we living in that time? क्या हम उस समय में रह रहे हैं? Yes. When the day of grace is coming to a close, जब अनुग्रह का दिन एक खात्मे पे आ रहा है, and millennium is about to begin, और मिलेनियम चालू होने वाला है, just at that time, ठीक उस समय पे, he brings a final look, वो लेके आते हैं एक अंतिम झलक, these things saith the amen, ये बातें वो कहता है जो आमीन है, oh I love it now, oh मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ. Amen. Revealed Amen. At the end of the church ages. Amen. Pragat hote hue kalisa kalon ke ant pe. Before the millennium. Millennium se pehle. Now listen, brother. In the church ages, he was son of God. Ab suniye, bhai, kalisa kalon mein wo khuda ke putr the. And millennium, he's the son of David. Aur millennium mein wo Daud ka putr hain. Between son of God and son of David. Khuda ka putr aur Daud ke putr ke beech mein. He once again arrives as son of man. वो एक बार फिर से प्रकट होते हैं मनुष्य के पुत्र के रूप में. And that son of man ministry finishes with the rapture. और मनुष्य के पुत्र की वो सेवकाई जो है रैप्चर के साथ समाप्त होती है. With the resurrection. एक पुनरुत्थान के साथ. And you and I need to understand. और आपको और मुझे समझने की जरूरत है. It is at that time. ये उस समय होगा. That I'll reveal this character, amen. कि मैं इस चरित्र आमीन को प्रकट करूंगा. Because this character will be needed. क्योंकि इस चरित्र की जरूरत पड़ेगी. By some people in that time. कुछ लोगों के द्वारा उस समय में. And then I reveal such a character. जब मैं ऐसे अपने गुण को प्रकट कर रहा हूँ. And those sudden elect of mine. और कुछ मेरे खास चुने हुए लोग. Get a revelation of their amen. उन्हें उस आमीन का प्रकाशन मिलता है. Then they can stand firm. तो फिर वो दृढ़ होके खड़े हो सकते हैं. Like the heroes of faith. विश्वास के योद्धाओं की मानिंद. And he'll bring such a faith. और वो एक ऐसे विश्वास को लेके आएगा. That'll rapture the bride. जो दुल्हन का रैप्चर कर देगा. Are you with me till now? क्या आप मेरे साथ हैं अभी तक के? God really bless you. खुदा मैंने आपको बहुत ऐसे बरकत दें. The other name for amen. दूसरा नाम आमीन के लिए. Is absolute. वो है परम सत्य. कहते हैं परम सत्य. Yes. उसका एक मतलब परम सत्य भी है. But इसके कई मतलब हैं. Yes. The word is absolute. जो शब्द है absolute है. And Brother Branham said when I searched it in the dictionary. और भाई ब्रैनम ने बोला जब मैंने इसको शब्दकोश में खोजा. The word absolute means, जो शब्द absolute है इसका मतलब ये है, perfect in itself, अपने स्वयं में सिद्ध हो, स्वयं सिद्ध, there's no fault in it, इसमें कोई भी गलती या त्रुटि नहीं है, it's absolutely perfect, ये पूर्णता सिद्ध है, that's another meaning, ये एक और मतलब है इसका, unlimited in its power, अपनी सामर्थ और शक्ति में असीमित. When somebody catches hold of an absolute. Amen. जब किसी को एक absolute का स्पर्श मिल जाए. He's caught hold of something that is limitless in its power. उसने कुछ ऐसा पकड़ लिया जो अपनी सामर्थ और शक्ति में असीमित है. Primarily and ultimate. मूल रूप से एक सबसे सर्वोच्च. And ultimate is the amen. और जो सर्वोच्च है, अल्टीमेट जो है, वो आमीन है. That's all, an absolute it is. और ये बिल्कुल कुछ और नहीं, परम है. The unlimited in power. असीमित है शक्ति में. The word absolute means unlimited in power. जो शब्द absolute है अंग्रेजी का, इसका मतलब है असीमित अपनी शक्ति में. Now listen, we have been singing and we have been reading the promises. अब आप देखेंगे हम गाते आए हैं और हम वायदों को पढ़ते रहे हैं. Strength will rise as we wait. ताकत और बल उठेगा जब हम इंतजार करेंगे. As we wait upon the Lord. जैसे जैसे हम इंतजार कर रहे हैं खुदावंद के ऊपर. They that wait upon the Lord shall renew their strength. वो जो खुदावंद पे इंतजार करते हैं वो अपने बल को नया करेंगे. They shall mount up with wings like eagles. वो उकाबों की नाई इकट्ठा होंगे. Now is that the word? क्या ये वचन है? What will happen when that power arrives to them? क्या होगा जब वो सामर्थ उनके पास आ पहुंचेगी? They'll catch hold of an amen. वो एक आमीन को पकड़ लेंगे.
An amen will come to them. एक आमीन उनके पास आएगा. And I'll explain it from the drama which the prophet brought out. और मैं उस ड्रामा से जैसा नबी लेके आए मैं उसको समझाऊंगा. That once a man catches hold of this amen. कि एक दफा जब एक आदमी इस आमीन को पकड़ लेता है. A brother or a sister. एक भाई या एक बहन. His or her power is unlimited. उसकी उस भाई की या बहन की फिर शक्ति असीमित हो जाती है. Though they may be physically weak, हो सकता है शारीरिक तौर से वो कमजोर हो. Physically they may not have much, शारीरिक तौर से उनके पास बहुत ना हो. But when they have that absolute, पर जब उनके पास वो परम है absolute है, it means they have unlimited power. तो इसका मतलब ये है कि उनके पास असीमित शक्ति है. Listen, Brother Branham said. सुनिए भाई ब्रह्म ने कहा. There's enough power in this room. पर्याप्त सामर्थ्य इस कमरे में है. That can create worlds. जो दुनियाएं बना दे. Did you realize that? क्या आपने इस बात को समझा? There's enough power in this room. कि पर्याप्त काफी सामर्थ्य है इस कमरे में. That you can make another planet. कि आप एक और पृथ्वी बना दे. You can make another. Jupiter or whatever. आप एक और जुपिटर ग्रह और ये सब बना दे. There's enough power laying in this room right now. पर्याप्त सामर्थ इस कमरे में अभी पाई जाती है. What is required? चीज किस चीज की जरूरत है? For somebody. किसी के लिए. To get hold of that amen. कि वो उस आमीन को पकड़ पाए. And when he gets hold of that amen. और जब किसी की पकड़ में वो आमीन आ जाता that है. Final absolute. वो फाइनल सर्वश्रेष्ठ परम no है. Matter what the world says. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहे. He knows where he's standing. वो जानता है कि वो कहाँ खड़ा है. Because he's tied to his absolute. क्योंकि वो अपने परम से जुड़ा है. And he has unlimited power. और उसके पास असीमित शक्ति है. People think. लोग ये सोचते हैं. He's left alone. वो तो अकेला छोड़ दिया गया. People think. लोग ये सोचते हैं. He is rejected. ये तिरस्कृत है. Yes, Paul. या पौलुस है. Who's eating a rat bitten bread pieces. जो चूहों के द्वारा कुतरी हुई रोटी के टुकड़े खाता है. He's lying in a dungeon. वो एक तहखाने में पड़ा है. Nobody wants to listen to him. कोई उसकी सुनने को तैयार नहीं. The government has put him in the prison. सरकार ने उसे जेल में डाल रखा है. And nobody wants to hear Paul. और कोई भी पौलुस की सुनना नहीं चाहता. But ask Paul. पर पौलुस से पूछिए. Are you alone? क्या आप अकेले हैं? You feel weak? क्या आपको कमजोरी लग रही है? He says, I'm tied to my absolute. वो बोलता है, मैं अपने परम सत्य से जुड़ा हुआ हूँ. Even on the day he died. यहाँ तक कि जिस दिन वो मरे. He died saying, I cannot die. वो ये कहते हुए मरे कि मैं मर नहीं सकता. Oh death, where is thy sting? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ? Oh grave, where is thy victory? हे कब्र तेरी फतेह कहाँ रही? But thanks be to God. पर खुदा का धन्यवाद हो. Who gives us the victory? जो हमें जीत देता है. Through Jesus Christ the Lord. हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा. They thought they cut his head. उन्होंने सोचा इन्होंने तो उसका सर काट दिया. But he told those Romans. पर उन्होंने उन रोमियो को बोला. Don't think I'm stopped here. ये मत सोचना अब मेरा यहाँ अंत हो गया. I'm returning back. मैं वापस लौट के आ रहा हूँ. And when I come back, और जब मैं वापस आऊंगा, I come back with the vials. मैं उन कटोरों के साथ आऊंगा. And when I come back with the vials, और जब मैं कटोरों के साथ आऊंगा वापस, it'll be another story, Mr. Rome. हे श्रीमान रोम, कहानी फरक होगी तब. You cannot kill me. तू मुझे मार नहीं सकते. I got a revelation. मेरे पास ये प्रकाशन है. That I have died a long time back. कि मैं बहुत समय पहले मर चुका था. And now I'm alive in Christ Jesus. पर मैं अब मसीह यीशु में जीवित हूँ. The life that I now live. वो जीवन जो मैं अब जीता हूँ. I live by the faith of the Son of God. मैं खुदा के पुत्र के विश्वास के द्वारा जीता हूँ. Hallelujah. Hallelujah. For me to live is Christ. मेरे लिए जीना तो मसीह है. And to die is gain. और मरना नफा है. That I may know him. कि मैं उसे जानूं. In the power of his resurrection. उसके मृत्युंजय की सामर्थ में. And I count all those things as dung. और मैं तमाम चीजों को कूड़ा समझता हूं. Why? क्यों? He got hold of that amen. क्योंकि उसको आमीन की पकड़ मिल गई थी. He got hold of that absolute. उसने कहा मैं absolute को पकड़ लिया था. Now usually. बक्सर. Absolute comes in the time of crisis. Amen. ये जो absolute हैं, ये उस परेशानी की घड़ी में आते हैं. Absolute comes in a time when it's not very good. Absolute तब आते हैं जब समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा होता. Absolute comes in a time when dark days are going on. Absolute तब आते हैं जब अंधकार में दिन चल रहे होते हैं. And God allows His people. और खुदा वन अनुमति देते हैं उनके लोगों को. That they go through that phase. कि वो ऐसे
दौर में होके गुजरे, that while they are passing through it, कि जब वो उस दौर में होके गुजर रहे हैं, God brings them to a final realization. खुदावन उन्हें इस अंतिम समझ पे लेके आए, you can do nothing. कि तुम कुछ नहीं कर सकते. Shall I repeat it? मैं इसको दोहराऊंगा. You can do nothing. कि तुम कुछ नहीं कर सकते. But with me, पर मेरे साथ, you can do all things. तुम सब कुछ कर सकते हो. मैं सोचता हूँ भाई आप उस बात पे आ रहे हैं. Now listen carefully. अब ध्यानपूर्वक सुनिए. How the prophet brought some things. कैसे नबी कुछ खास चीजों को लेके आए. Sit down please. बैठे कृपया. Absolute. वो absolute परम सत्य. That amen. वो आमीन. That name to be revealed in the last days. वो नाम जो कि अंत के दिनों में प्रकट होना है. He's preaching absolute. वो प्रचार कर रहे हैं इस परम सत्य को एब्सोल्यूट को. दिसंबर 30 दिसंबर 1962. एंड दैट इवनिंग ही इज गोइंग टू प्रीच सर्स इज दिस द टाइम. और आमेन. उस शाम को वो प्रचार करेंगे श्रीमानो क्या ये वही समय है. वन वीक बैक. एक हफ्ता पहले. ही हैज बीन इन अ विजन. वो एक दर्शन में होके आ रहे हैं. व्हेन ही इज बीन इन वेस्ट. जब वो पश्चिम में गए थे. एंड ही हियर्ड अ ब्लास्ट. उन्होंने एक धमाका सुना. And he saw seven angels coming from the west. उन्होंने सात दूतों को पश्चिम से आते देखा. And how he got numbed over. और कैसे वो बिल्कुल पूरी तरीके से सुन पड़ गए. And he asked the Lord, "What does it mean?" और उन्होंने प्रभु से पूछा, प्रभु इसका क्या मतलब है? Does it mean my death? क्या ये मेरी मृत्यु का मतलब है? Or if it means something else? या इसका कुछ और मतलब है? Please try to show me. कृपया करके मुझे दिखाइए. And the power of God came in that room. और खुदा की सामर्थ्य उस कमरे में आ गई. And just lifted him up. और ठीक उन्हें उठा लिया. One of these days he'll do the same thing for you. हिनी गिरी दिने में वो यही समान चीज आपके लिए भी करेगा. That super anointing is promised for every elect. वो सर्वोच्च अभिषेक हर एक चुने हुए के लिए वादा किया गया He'll है. Just lift you up. वो ठीक आपको उठा लेगा. Like a wave. एक लहर की मानिंद. And bring you to a place. और आपको एक ऐसे स्थान पे लाएगा. Which you have never even thought before. जिसको आपने कभी सोचा भी नहीं था. Sit down please. बैठिए कृपया. And now. और अब. When he finishes that vision. जब वो उस दर्शन को पूरा करते हैं. What does this mean, Lord? इसका मतलब क्या है प्रभु? And he opens his Bible. और वो अपनी बाइबल खोलते हैं. Romans 9:33. रोमियो 9:33. Behold, I lay in Zion. देख, मैं सयोन में रखता हूँ. A stumbling stone. एक ठोकर खाने वाले पत्थर को. A rock of offense. एक ठोकर दिलाने वाला पत्थर. But he that believeth on him. पर वो जो उस पे विश्वास करे. Shall never be ashamed. वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होगा. What kind of rock was God about to lay? Amen. किस किस्म की चट्टान को खुदावन अब रखने वाले थे? That was connected with that vision. ये जुड़ी हुई थी उस दर्शन से. When seven angels came. जब सात दूत आए. They were coming with a cornerstone. वो एक कोने के पत्थर के साथ आ रहे थे. What was that cornerstone? वो कोने का पत्थर क्या था? Christ. The mystery, मसी जो भेद है, revealed by the opening of the seven seals, जो कि प्रकट हुआ उन सात मोहरों के खोले जाने के द्वारा. Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? And God was getting ready, और खुदावन तैयार हो रहे थे, to lay that absolute. ताकि उस एब्सोल्यूट को रखें. That cornerstone Christ. उस कोने के पत्थर मसीह को रखें. And just before that event. और ठीक उस घटना से पहले. He's preaching absolute. वो प्रचार कर रहे हैं उस परम सत्य को एब्सोल्यूट को. Trying to tell the bride. दुल्हन को बताने की कोशिश कर रहे हैं. That now the time is coming. कि अब समय आ रहा है. Will be choppy waters. कि जब अब बड़े उथल पुथल वाले पानी चालू हो जाएंगे. But at that time, पर उस समय God is sending this absolute to you, bride. कि खुदावन हे दुल्हन तेरे पास इस एब्सोल्यूट को भेज रहा है. If you hold on to this book, अगर तू इस पुस्तक को थाम के खड़ी रहे. No matter what the news says, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता खबर क्या कहती रहे. No matter what the world says, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहे. What this man said, जो कुछ इस आदमी ने कहा. My angel, मेरे दूत ने. Will finally come to pass, ये आखिरकार पूरा यही होगा. If it said, "Hurt not my oil and wine," अगर उसने बोला कि मेरे तेल और दाखरस की हानि मत करना, it's an amen. तो ये आमीन है.
Amen. What does it mean? इसका क्या मतलब है? Let any devil come to try to hurt that oil and wine. कोई शैतान आए तो उस तेल और दाखरस की हानि करने के लिए. That devil has to be defeated. उस शैतान को हराया जाएगा. Because those people have come to a revelation. क्योंकि वो लोग एक ऐसे प्रकाशन पर आज पहुंचे हैं. A God of amen. उस आमीन के खुदा के. And amen has said. और आमीन ने कह दिया है. Hurt not my oil and wine. मेरे तेल और दाखरस की हानि मत करना. And it will not be. और ऐसा होगा नहीं. A people. एक ऐसे लोग filled with new wine and oil, वो नए तेल और दाखरस से भरे हुए हैं, ready to speak the word, तैयार हैं वचन को बोलने के लिए, which will slice and cut, जो काटेगा और टुकड़े टुकड़े करेगा. Is that the message we are preaching? क्या ये संदेश है जो हम प्रचार कर रहे हैं? Let me read out something further for you. आइए थोड़ा मैं आगे आपके लिए कुछ पढ़ूंगा. Absolute. Absolute. That's a wonderful word. ये बहुत बढ़िया अद्भुत शब्द है. Because absolute. अभी परम सत्य ही आप बोल दीजिए, कोई नहीं, परम सत्य ही बोल दीजिए. बट एब्सोल्यूट शब्द का एक्चुअली देखिए मतलब मैं पढ़ के सुनाऊंगा. किसके कई मतलब हैं जो मिलके कुछ समझ में आएगा कि इसका मतलब है क्या. आमीन. इन शॉर्ट इट मींस एन आमीन. सारांश में इसका मतलब आमीन है. इट्स फाइनल. ये निर्णायक है. सो एब्सोल्यूट कैन बी कॉल्ड निर्णायक. निर्णायक. फाइनल. निर्णायक. Unlimited in power. असीमित अपनी शक्ति में. I thought that's a glorious thing. मैंने सोचा ये बहुत ही महिमायें बात है. That's a wonderful word. ये बहुत ही अद्भुत शब्द है. What's your next line? अगली पंक्ति क्या है? And now a word. और अब एक वचन. Is a thought expressed. एक विचार प्रकट हुआ हुआ होता है. Before he said absolute. That absolute was his thought. Amen. इससे पहले वो एब्सोल्यूट निर्णायक कहे, वो निर्णायक उनका विचार था. And that absolute was in a man. और वो निर्णायक एक आदमी में था. Which was Christ. जो कि मसीह था. Amen. First it must be a thought. पहले विचार होना चाहिए. And then it becomes a word. और फिर ये एक वचन बनता है. Because you do not speak your words without thought. क्योंकि आप अपने वचनों को बिना विचार के बोलते नहीं. If he said this thing, said the amen. अगर वो कह रहे कि ये बातें वो कहता है जो आमीन है. First amen was his thought. पहले वो आमीन उनका विचार था. Then amen became the word. फिर वो आमीन वचन बन गया. Now if a thought becomes word. अगर विचार एक वचन बन जाए. Then it has to become flesh. तो फिर जरूरी है उसे देह बनना चाहिए. So amen has to become flesh. तो आमीन को अब शरीर बनना है. Amen in thoughts. आमीन विचार में. Amen in the word. आमीन वचन में. And now amen in flesh. और अब आमीन शरीर में. 2000 years back that's Christ. 2000 साल पहले वो मसीह थे. Today still Christ. आज भी वो मसीह हैं. But where is that Christ? पर वो मसीह कहाँ है? Where is that amen? वो आमीन कहाँ है? Today he's dwelling in a people. आज वो एक लोगों में वास कर रहा है. Now this is a revelation. अब ये एक प्रकाशन है. Now if that amen is dwelling in some people. अब वो अगर आमीन कुछ लोगों में रह रहा है. Then whatever they say. Amen. तो जो कुछ वो कहें. Not if I say. ये नहीं कि मैं कहूँ. But what if you say? पर ये कि जब जो कुछ तुम कहो. If you say to this mountain. अगर तुम इस पहाड़ से कहो. Be thou moved. तो हट जा. Why is he saying that? क्यों वो ये कह रहे हैं? I'll be living in them. क्योंकि मैं उनमें जीत जीऊंगा. Now amen is in them. अब आमीन उनमें है. And when amen comes to live in them. और अब जब आमीन उनके अंदर रहना चालू करता है. They become amen personified. तो वो आमीन मुजस्सम बन जाते हैं. And when they say something, और अब जब वो कुछ कहते हैं, I say amen. तो मैं कहता हूं आमीन. Moses said, "Let there be frogs." मूसा ने कहा, वो मेंढक हो जाएं. And God said, "Amen." खुदा ने कहा, आमीन. Let there be flies. वो कुटकियां हो जाएं. Amen. आमीन. Let the waters be parted. पानी बढ़ जाए. Amen. आमीन. Amen. Hallelujah. Strike the rock. चट्टान पे मार लाठी. And give its water. और वो अपना पानी देगी. Moses struck the rock. Musa ne lathi mari. God said amen. Khuda ne bola amen. What's happening? Kya ho raha hai? Now a man's action are being seconded by the God of amen. Ab ek aadmi
के जो काम है उनको पुष्टिकृत किया जा रहा है एक आमीन के खुदा के द्वारा. इफ गॉड फाइंड सच वन मैन टुडे, आमेन. अगर खुदा को एक ऐसा आदमी भी आज मिल जाए, बिकॉज आई वॉन्ट टू से टूडे समथिंग, क्योंकि मैं कुछ आज कहना चाहता हूं. इट नॉट बी जस्ट वन, ये एक नहीं होगा केवल. इट बी फ्यू, ये कुछ होंगे लोग. एंड वन मैन विद दैट आमेन, और एक आदमी उस आमीन के साथ, विल चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ दिस होल अर्थ. वो इतिहास के जो भविष्य है इस पूरी इस पृथ्वी का उसे बदल देगा. One man with that amen. एक आदमी उस आमीन के साथ. And God is telling. और खुदा कह रहे हैं. That God of amen is saying. वो आमीन का खुदा कह रहे हैं. They who didn't seek me. वो जो मुझे खोजते नहीं थे. They found me. उन्होंने मुझे पा लिया. Finally, I was revealed to them. आखिरकार मैं उनको प्रकट हो गया. As an amen. एक आमीन के रूप में. माय हालेलुया. Here's a man in the woods. यहाँ एक आदमी है जंगल में. Has gone for hunting. शिकार करने के लिए गया है. He's just gone for squirrels and didn't get any squirrels. वो तो शिकार गिलहरियों करने गया है, मिली नहीं बिल्कुल. Like Peter, James and John went to fish and didn't get any fish. जैसे पतरस याकूब यूहन्ना मछली पकड़ने गए और उन्हें मछली नहीं मिली. Similar situation. वही समान स्थिति है. And while he's lying on the log at 10 a.m. और जब वो सुबह 10 बजे में उस लट्ठे पे लेटे हुए हैं, this verse comes to his mind. ये आयत उनके दिमाग में आती है. If you say to this mountain, अगर तू इस पहाड़ से कहे, brother, that's a piece of cake for me now. भाई, मेरे लिए तो एक ये केक का बड़ा लजीज टुकड़ा है, which I like to eat every day. जो मुझे हर रोज खाने का मन करता है. And every believer would like to do it. और हर एक विश्वासी भी ऐसा ही करना चाहेगा. Amen. आमीन. If you remember Martin Luther King. अगर आपको याद हो मार्टिन लूथर किंग के बारे में, बिफोर ही डाइड ही वाज असैसिनेटेड, यू नो, इससे पहले कि वो मरा, आप जानते हो उसकी हत्या की गई. ही हैड वन लास्ट बिग मैसेज, उसका एक आखिरी बड़ा संदेश था. आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है. एंड बिहाइंड दैट केम अ सॉन्ग, और उसके पीछे एक गाना भी आया. आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है. He started talking about Joshua and Caleb. वो बात करना चालू करता है यहोशू और कालिब की. And America is the promised land for the blacks. और अमेरिका जो है वो वायदा किया हुआ देश है उन काले लोगों के लिए. And said, I have a dream. उसने बोला मेरा एक ख्वाब है. That the blacks have equal rights with the whites. कि जो काले लोग हैं उनका समान अधिकार हो गोरे लोगों के साथ. But I want to tell you something. पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ. He could live to see it. वो उसे देखने के लिए जी नहीं पाया. But there was a man in America. और एक आदमी अमेरिका में था. And he also said, I have a dream. उसने बोला मेरा भी एक ख्वाब है. And every dream he saw. और हर एक दर्शन जो उसने देखा. Came to pass. वो घट गया. And today. और आज. God said. खुदा ने कहा. I had a vision. मेरा एक दर्शन था. To see myself. कि मैं अपने आप को देखूं. Perfected in a people. सिद्ध होता हुआ एक लोगों में. Not homo sapiens. Homo sapiens प्रजाति नहीं. Not born by a sexual birth. एक यौन संबंध के द्वारा पैदा किए हुए लोग नहीं. But by the incorruptible word of God. पर अमर खुदा के वचन के द्वारा. God said. खुदा ने कहा. It's my vision. ये मेरा दर्शन है. It's my plan. ये मेरा ये योजना है. Through the plan of redemption. छुटकारे की योजना के द्वारा. To see a people. कि ऐसे लोगों को देखूं. Not frogs. मेंढकों को नहीं. Not they are not frogs. वो मेंढक नहीं है. Who look backward. जो पीछे की ओर देखते हैं. They are not babblers. वो बड़बड़ाने वाले नहीं है. इधर की बात उधर, उधर की बात इधर. Yes. इस घर की बात उस घर में, उस घर की बात इस तीसरे घर में. Babblers like chipmunks. चिपमंग जैसे जो छोटी चिपमंग होती है उसकी तरह नहीं, चुट चुट करने वाले. I think you understanding it. मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे. But like that eagle. पर उस उकाब की मानिंद. Who knows he has power. जो जानता है कि उसके पास सामर्थ्य है. He is waiting for another wind. वो एक और हवा का इंतजार कर रहा है. How many are waiting for another wave? कितने एक और हवा का इंतजार कर रहे हैं? Did the prophet say? क्या नबी ने कहा? And I'm waiting for another wave of the Holy Ghost. और मैं एक और पवित्र आत्मा की लहर की इंतजारी में हूँ. That'll take the bride in. जो दुल्हन को अंदर ले जाएगी. And the seagulls are waiting. और ये उकाब इंतजार कर रहे हैं. That eagle is tied to his absolute. वो उकाब अपने निर्णायक से जुड़ा है. And he doesn't care what the wall and chipmunks say. और उसे परवाह नहीं कि ये दुनियावी चिपमंग क्या कुछ कहे. That chipmunk spirit doesn't leave, brother. वो चिपमंग की आत्मा छोड़ती नहीं भाई.
It even works in churches. यहाँ तक कि चर्चों में भी काम करती है. It works in houses. घरों में काम करती है. Believers are not chipmunks. विश्वासी चिपमंक नहीं है. They are not rattlers and babblers. वो इधर उधर की बात इधर उधर बड़बड़ाने वाले लोग नहीं है. They are not murmurers. वो कुड़कुड़ाने वाले लोग नहीं है. People like Joshua and Caleb. लोग जैसे यहोशू और कालिब हैं. Who are hanging on to that absolute. जो अपने उस निर्णायक से पकड़े हुए हैं. वो हैंगिंग ऑन टू दैट प्रॉमिस. वो तकिया किए हुए अपने वायदे के ऊपर. दे डोंट बिलीव एनी शोमैनशिप. वो कोई दिखावे पे विश्वास नहीं करते. ओ खुदा हमारी सुन. और एक घंटे की दुआ निकाल दी. बाकी बहनें बैठी रह गईं. बाकी भाई बैठे रह गए. सिर्फ आप ही को दुआ का मौका मिला प्यारी बहन या भाई. तो वो ऐसे नहीं है. जब तू खुदा के भवन में जाए हालेलुया. ये सब घर में करिए. ये मेरे लिए आपका ही इतना चिल्लाना. यहाँ एक चर्च में एक था जो दुआ करके अपनी शर्ट फाड़ता था. आज वो मैसेज में है नहीं. ब्रदर भाई आशीष पे इन चीजों का कोई असर नहीं पड़ता. मैं आपको पहले से बता रहा हूं ना भाई आशीष के खुदा को. बुरा मत मानना मैं जो बोल रहा हूं आज. शर्ट फाड़ना चिल्लाना रोना कभी कभी भावनाएं होती हैं. आप करते हैं वो जेन्युइन भी है. लेकिन कुछ चीजें हैं जो दिखती हैं. थर्सडे की टाइम मिली दुआ की. अब बहनों के लिए मौका है. बहनों ने एक लपका और ऐसा लपका कि दूसरी बहन को तो मौका ही नहीं मिला. 8:15 या 8:10 पे भाई देते हैं और 8:40 तक लगभग वही दुआ होती. फिर मजबूरन कहना बंद करें बंद करें अपनी दुआ बंद करें ताकि और भी तो आए हैं उपवास सहित उन्हें मौका मिले. तो ये शोमैनशिप नहीं है ब्रदर. नहीं नहीं मैं कोई शोमैनशिप. आप समझ नहीं रही बहन. आप एक शोमैनशिप की दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं. मैं आपके मुंह पे कह रहा हूं भाई आप पीड़ित हैं. जो आत्मा वचन का विरोधी है वो दुष्ट आत्मा है. वो पवित्र आत्मा नहीं है. जी नहीं. यह चीज समझने वाली. आपको अगर याद हो तो पौलुस अगर ऐसी जगह खड़ा हो. हम जानते हैं कि आप खुदा के जन हैं. हम जानते हैं आप खुदा के जन हैं. पौलुस ने कहा गॉड ब्लेस यू थैंक यू बहन. किसी ने तो मुझे पहचाना. वहां पे बाइबल में क्या लिखा है आए दुष्ट आत्मा इससे निकल जा. उसे मालूम था ये दुष्ट आत्मा है जो उससे बोल रही है. कितने ऐसे पेंटिकॉस्टल हैं आज और कितने ऐसे कहलाने वाले विश्वासी आज जो सोचते हैं कि हम पवित्र आत्मा के अधीन हैं दुष्ट आत्माओं के अधीन और नहीं जानते कि दुष्ट आत्माओं से प्रेरणा प्राप्त बैठ के चर्च में मीटिंग अटेंड करते हैं. क्यों? आपके जीवन में वचन नहीं घुसा. नहीं अगर वचन घुसा होता तो आप वहां ना होते और होती जहां आज आप हैं. यह है दुआ करने की सबसे पहली. मुझ पर रहम कर मेरी अकल खोल प्रभु कि मैं वो समझ पाऊं कि आप मुझसे चाहते क्या हैं. अपने आप को तोड़ो तब शायद खुदा तुम्हारे जीवन में कुछ बात करेंगे. मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं. भलाल के टाइम से बात चल रही है. एक भाई ने दुआ पकड़ी और आधा घंटा निकाल दिया. मीटिंग के बाद उन्हें पकड़ा भाई और भी तो लोग हैं दुआ करने वाले. एक बहन ने दुआ पकड़ी और आधे घंटे निकाल दिया. वो बहनों का टाइम एक ने निकाल दिया. भाइयों का टाइम एक ने निकाल दिया. कर लो दुआ. बाकी उन्होंने फिजूल में उपवास रखा है. फिजूल में आके अपनी सेवाएं दे रहे हैं. यहां पे क्या विचार आपका? और तब यहां पे कहा गया कि अपनी दुआएं 5 मिनट से ज्यादा ना करें. क्या हमें जरूरत है कि हम जब अनुशासन कलीसिया में रखा जाए तो उसके अधीन हो? क्या पवित्र आत्मा कलीसियाई अनुशासन को तोड़ेगा? कभी नहीं. मैं केवल आपसे यह कहूंगा आपका परम सत्य क्या बना मेरी बहन मेरे भाई. क्योंकि जब जीवन में गड़बड़ी आएगी और जब जीवन में नाव हिलेगी तब तुम कौन हो तुम्हारी असलियत उस दिन निकल के आएगी कि आप हैं कौन. और जो इस परम सत्य से नहीं जुड़ पाए वो जहां हैं वहीं रहेंगे. उन्हें 2 मिनट लगती है चर्च छोड़ के एक नया रास्ता पकड़ने के लिए. 2 मिनट मैं तो देख चुका हूं एक बार नहीं कई बार. लेकिन जिनके पास ये परम सत्य है ब्रदर ये अडिग हैं. ये हैं कुछ लोग जिन्हें खुदा ने चुना है.
I think you're understanding it. मैं सोचता हूँ आप समझ रहे होंगे. So they are not rattlers or babblers or murmurers. वो कुड़कुड़ाने बड़बड़ाने वाले या ऐसे किस्म के लोग नहीं हैं. They are not newspapers. वो खबरी नहीं हैं. They are not BBCs. वो BBC नहीं हैं. They are believers. वो विश्वासी हैं. They are believing in the word. वो वचन में विश्वास कर रहे हैं. They know their power lays somewhere. वो जानते हैं कि उनकी सामर्थ कहीं छिपी हुई है. They are looking at something. वो किसी चीज की ओर देख रहे हैं. I think you're understanding it, church. मैं आशा करता हूँ समझ रहे हों कलीसिया. Amen. Listen now. अब सुनिए. I want to read out from the message for you some things. अब मैं संदेश से आपके सामने कुछ चीजों को पढ़ना चाहता हूँ. God really bless you. खुदा ने आपको बताए से बरकत दें. Finally, there'll be a people in the last days. आखिरकार लोग होंगे एक अंत के दिनों में. Who will get a revelation of this absolute? जिन्हें उनके परम सत्य का ये प्रकाशन मिलेगा. When that time comes, और जब वो समय आएगा, their power will be unlimited. उनकी सामर्थ असीमित होगी. It'll be a mighty marching army. ये एक बलिष्ठ कदम ताल मिला के चलने वाली सेना होगी. Whose powers will be unlimited. जो जिनकी सामर्थ्य असीम होंगी. Trash cannot stay there. कूड़ा करकट वहां बना नहीं रह पाएगा. When this absolute arises, जब ये परम सत्य निर्णायक आ जाएगा. Hananiah and Sapphira can't stay. Hananiah Sapphira रह नहीं पाएंगे. Saul and Gehazi can't stay. Shaul और Gehazi रह नहीं पाएंगे. In such a church, ऐसी कलीसिया में. When that absolute really strikes home, जब वो परम सत्य वास्तविकता में घर आएगा. Then people will start saying, फिर लोग ये कहना चालू कर देंगे. You didn't fear. तुम्हें डर नहीं लगा. To speak lies with the Holy Ghost. पवित्र आत्मा से झूठ बोलते हुए. And people will fall dead. और लोग मर जाएंगे. Like it happened there. जैसा वहां हुआ था. And तब लगेगा डर. Yes. यहां जाओ नहीं. क्योंकि आज अगर जरा सी इधर उधर की बात बोली तो हनानिया सफीरा जैसे मर गए तो मर भी सकते हो. इन लोगों से झूठ मत बोलना. Yes. Because God lives in them. क्योंकि खुदा उनमें रहते हैं. A sin-free church. एक पाप से आजाद कलीसिया. Today we are growing. आज हम बढ़ रहे हैं. But we are speaking of a time. पर हम एक ऐसे समय की बात कर रहे हैं. When this God of Amen gets finally revealed, and the purpose of revelation is to manifest in a people. जब ये आमीन का खुदा आखिरकार प्रकट हो और जो प्रकाशन देने का प्रकट होने का कारण है वो ये है कि वो एक लोगों में पाया जाए. I'm understanding, church. क्या आप समझ रहे कलीसिया? कुछ साल पहले मैं आप ही की मदद के लिए कुछ बातें बोल रहा हूं. Amen. एक आए थे, नाम नहीं ले रहा, मैं बात कर रहा हूं भाई लाल के टाइम की, और वो भी बहुत पुरानी बात जिसमें आप में से कई उस टाइम मैसेज में थे भी नहीं. आए, बात कर रहा हूं हौस खास में जब चर्च लगता था, T40 बहन बेविस जानती है वो टाइम, और कुछ और लोग हो सकते हैं. तो कहते हैं कि एक ट्रैक था, आपने पढ़ा होगा वो, हरे रंग का, वॉज इट एन एप्पल, क्या वो सेब था? आपने देखा होगा वो ट्रैक. कितनों देखा वो ट्रैक? अरे भाई किसी को मालूम नहीं है, तो सबसे फेमस ट्रैक था पुराना. एनी हाउ, खैर वो ट्रैक अब बट नहीं रहा तो इसलिए नहीं मालूम. वॉज इट एन एप्पल, क्या वो सेब था? और उस पर वो सरपंच सीट का वो हिस्सा जो चर्चेजेस का था उनको दिया गया. उन्होंने पढ़ा, संडे को आ गए, भाई लाल से कहते हमें बपतिस्मा दे दो. तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि ये बपतिस्मा एकदम ही मांग रहे हैं. भाई लाल ने कहा कि आप थोड़ा सा पढ़ें और थोड़ा सोचें, और मैं थोड़ा सा आपको वक्त देता हूँ, कुछ और बातें हैं. तो गुस्सा से हो गए, उम्र भी थी, क्या थे मीटर पर आला लगा के देखोगे? उन्होंने कहा भाई जो आप है बात मैं आपकी समझ रहा हूं, लेकिन पहले हमें जरूरत है कि आप वचन समझें, क्योंकि यह मैसेज वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं. यह पेंटिकॉस्टल मैसेज नहीं है. जाओ झुंड में घुस जाओ और मतलब जो भी भाषाएं बोलो और जो कुछ करो बोलो, ये वो वाला चर्च नहीं है ब्रदर. शाम को प्रभु भोज की सभा थी, जैसे आज शाम को होने जा रही है. तो उन्होंने कहा तो
सकते हैं मैं भी प्रभु भोज ले लेता हूं। उन्होंने कहा भाई आपकी मर्जी। तो जब प्रभु भोज सर्व हो रहा था तो प्लेट को अपनी तरफ ला लिया, रोटी तोड़ी और खा ली, प्याला अपनी तरफ लिया पी गए। छोटा चर्च था, कुछ लोग थे, प्याला भी बड़ा छोटा था, मुझे याद है। समाप्त हुई मीटिंग, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की, अपने अपने घर सब। उसी हफ्ते भाई लाल को आना था दक्षिणपुरी एक मीटिंग में, जहां पे वो आए मीटिंग में। मीटिंग में आते ही देखा तो चेहरा बिल्कुल उड़ा हुआ, चुस्का हुआ, डिहाइड्रेटेड। और जब देखा भाई लाल ने कहा क्या हो गया? अरे ब्रदर बड़ी प्रॉब्लम हो गई। बोले क्या हो गया? बोले संडे से वो शाम की मीटिंग के बाद जब हम उस प्रभु भोज में शामिल हुए ब्रदर, उसके बाद मुझे तो बहुत बुरा हाल हो गया, मेरे तो पेट खराब हो गया। बोले क्या हुआ मतलब? बोले लूज मोशंस हो रहे हैं ब्रदर। और अपनी दुआओं पे बड़ा उनका भरोसा था। तो कहते हैं कि उस दिन से ब्रदर इतनी तबीयत खराब है कि मैं बता नहीं सकता हूं, हर थोड़ी देर के बाद जाना पड़ता है, लेकिन इस हाड़ मास की खुदा सुनता है ऐसे करके। और मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं उसने मुझे चंगा किया, अभी आया। हमने कहा जाइए। तब भाई लाल ने कहा अभी आया करते रहोगे, इधर बैठो और समझो कि यह मेज मजाक नहीं है, यह मेज खुदा के खून खरीदों की है। इसमें जो वाचा में बंधे हैं और जिनका जीवन वचन के द्वारा सही है वो आए हैं। यह है कारण ब्रदर। अब चौंक गए, मिले प्लीज दुआ करिए। भाई लाल ने दुआ करी, उसी टाइम थोड़े देर के बाद उनकी तबीयत ठीक होना शुरू हो गई। अब अगले संडे बड़े दुरुस्त आए, नहीं नहीं अब मेरे को जरा ठीक था चलना है। तब थोड़ी देर बैठ के फिर भी वो जल्दबाजी की आत्मा रही और मुझे बपतिस्मा दो, मैं तैयार हूं। कुछ दिन रहे, उसके बाद फिर चले गए। आज भी जब कभी मिलते हैं ऐसा सुना कि सब चले गए अब दुनिया से, लेकिन कहते थे कि हैं तो हम आपके साथ, हैं तो हम आप ही के साथ, आप ही के साथ है तो यहां क्यों नहीं आते। यू सी ब्रदर, आप पाएंगे भाई, पीपल हैव दैट डिफरेंट एब्सोल्यूट्स, कि लोगों के अपने फरक फरक परम सत्य होते हैं। बट द वन हुज एब्सोल्यूट इज टाइड टू द वर्ड, पर वो जो एब्सोल्यूट है, जो परम सत्य है, वो वचन से जुड़ा हुआ है। He can never fail. वो कभी भी टल नहीं सकता। I want to show you some absolutes. Brother Branham gave an example. मैं आपको कुछ परम सत्य दिखाऊंगा निर्णायकों को जो भाई ब्रैनम उदाहरण में दिए। मैं जानता हूं आपने वो examples पढ़े हैं, लेकिन मेरा purpose है कि उस ड्रामे से आपको कुछ दिखाऊं। Amen. जिसको आप अपने जीवन में देखने पाए। Amen. Look at Job. अय्यूब को देखिए। He had an absolute. उसका एक परम सत्य था। Everything went wrong for that man. हर एक चीज उल्टी जा रही थी, गलत जा रही थी उस आदमी के लिए। A just man. एक धर्मी आदमी। Now we wouldn't be dense to say that he wasn't just. अब हम इतनी हिम्मत नहीं कर सकते कहने के लिए कि वो धर्मी नहीं था। Because God said he was. क्योंकि खुदा ने कहा है कि वो धर्मी था। There was no one on earth like Job. कोई भी पृथ्वी पे नहीं था अय्यूब के समान। He was perfect. वो सिद्ध था। In the sight of God. खुदा की दृष्टि में। And he knew it. और वो ये जानता था। Because he had an ultimate. क्योंकि उसका एक निर्णायक था। He had an absolute. उसका एक परम सत्य था। When everything seemed to be contrary. जबकि हर एक चीज विपरीत दिख रही थी। Sickness broke out. बीमारी आ गई। His friends might have said, उसके दोस्तों ने कहा होगा, there you are Job, अय्यूब तुम वहां पकड़े गए, that proves that you are sinning, ये बात साबित करती है कि तुम गुनाह करते हो, you are wrong, तुम गलत हो, and then the bishops come down, और फिर बिशप भी नीचे आए वहां, they call them Job's comforters, उन्होंने उनको जोब अय्यूब के सहानुभूति देने वाले कहा, and instead of comforting him, और बनिस्बत इसके कि उसको दिलासा देते, they see nothing but sin in his life, उन्होंने कुछ नहीं देखा पर उसके जीवन में पाप को देखा, because God had dealt with him the way He had. क्योंकि खुदावन ने इस तरीके से उसके साथ बर्ताव किया था, and his children was killed. और उसके बच्चे मारे गए, his property was burned. उसकी जो संपत्ति थी जला दी गई, his everything went wrong. उसकी हर एक चीज गलत हो गई, and even his own life was in jeopardy. Life in jeopardy. और यहाँ तक कि उसका अपना जीवन अब जोखिम में था, sitting on an ash heap. एक राख के ढेर पे बैठा है, broke out from the crown of his head to the soles of his feet with boils. जो कि अपने सिर के माथे से लेके पैरों के तलवों तक के पूरे फोड़ों से भरा हुआ है, and even his lovely sweet companion, और यहां तक कि उसका प्यारा
जो प्यारी उसकी संगनी थी, the mother of those children, उन बच्चों की माँ, said you should curse God and die the death. वो कहने लगी कि तू खुदा को बुरा कहे और मर जा. But in the face of all that, पर उस सब के सामने, Job had an absolute. अय्यूब का एक परम सत्य था. Oh, in the time of sickness. Oh, बीमारी के समय में. If we could only tie ourselves to that absolute. अगर हम अपने आप को उस परम सत्य से बांध के रख पाएं. Job knew that he had done Jehovah's bidding. अय्यूब जानता था कि उसने यहोवा की से विनती करी है. यहोवा का यहोवा की आज्ञा मानी है. Okay, yes, हाँ. यहोवा की आज्ञा मानी है. And he had faith in what he done. और उसके पास विश्वास था उस बात पे जो कुछ उसने किया था. Because Jehovah required it. क्योंकि यहोवा को इसकी मांग थी. We can just do that. हम केवल वही कर सकते हैं. Jehovah required a burnt offering for his sin. यहोवा को उसके पाप के लिए एक होम बलि चाहिए थी. And Job not only for himself. और अय्यूब ने केवल अपने लिए ही नहीं, but for his children. पर अपने बच्चों के लिए had made a burnt offering. उसने एक होम बलि करी थी. And that's all God required. और इसी की केवल जरूरत थी खुदा को. Oh, you might say, I wish that's all he required today. Oh, मैं आप ये कहेंगे कि मैं सोचता हूं इसी की जरूरत उन्हें आज भी होगी. It's less than that. मैं कहूंगा ये तो उससे भी कम होने चाहिए. आज की रिक्वायरमेंट खुदा की उससे बहुत कम है. Yes. खुदा किसी जानवर की कुर्बानी नहीं मांग रहा आपसे. It's less than that. वो उससे कहीं कम है. Just faith in His word. केवल विश्वास उनके वचन में. And if you make His word your absolute. और अगर आप उनके वचन को अपना परम सत्य बनाएं. You can. आप बना सकते हैं. Any divine promise in the Bible. तो कोई भी दिव्य वायदा बाइबल में. You can tie your soul to it. आप अपने प्राण को उससे बांध सकते हैं. No matter how much the waves whip you around, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लहरें आपको किधर भी उछाले, you're still tied. आप तो भी बंधे हुए हैं. You're absolute. अपने परम सत्य से. And he held on to it. और वो उसे पकड़े रहा. And when his comforter said, you have sinned. और जब उसके दिलासा देने वालों ने कहा कि तूने पाप किया है. And he knowed he had not. और वो जानता था कि उसने नहीं किया है. लोग कहते थे कि तूने गुनाह किया. वो जानता था मैंने नहीं किया. Amen. मैं निर्दोष हूं. The man come and said, your children is dead. लोग आदमी आया उसने कहा कि तेरे बच्चे मर गए. Another one come in. एक और आया. Your camels are all burned up. तेरे सारे ऊंट जल गए. And they come fire down from heaven. और आग से स्वर्ग से आसमान से एक आग गिरी. Look what an argument his discomforters had. देखे क्या बात जो है उसके दिलासा देने वाले कह रहे थे. क्या तर्क? Yes. Okay, discomforters. Yes, brother. सताने वाले उसके कह रहे थे. You see, a fire came from heaven. तुमने देखा? आकाश से, सूरज से, ऊपर से आग आई. Now Job, that proves. अब अय्यूब ये बात साबित करती है. तुम कौन हो? That proves nothing. ये कुछ साबित नहीं करती. Now who has struck your children, Job? You are a just man. अब किसने तुम्हारे बच्चों को मारा होगा, अय्यूब? तुम तो एक धर्मी आदमी हो. But Job said, पर अय्यूब ने कहा, I know that I've done what's right. मैं जानता हूं मैंने जो करना था वो सही किया है. He still held on. वो अभी भी पकड़े रहा. He had something he could drive down. उसे पता था कुछ ऐसी चीज जिसके वो भरोसा कर सकता था. He had accepted it. उसने उसको ग्रहण किया था. He had done exactly what God told him to do. उसने ठीक वैसा ही किया था जो खुदा ने उससे कहा था करने के लिए. And he was absolutely sure, all right. और वो पूर्ण था, उस पे पक्का था. ठीक बात है. When he come to the spot. तब जब वो उस बिंदु पे आया. One day you and I will also arrive at that spot. एक दिन आप और मैं भी उस खास स्थान पे आ पहुंचेंगे. When that absolute held. जब वो परम सत्य टिका रहा. Then finally begin to feel the strain tighten up. और फिर आखिरकार महसूस होने लगा कि अब दबाव और कसता जा रहा है. That had been running loose, bouncing around, but it began to tighten up. जो इधर उधर तो थोड़ा सा हल्का था, इधर उधर उछल रहा था, पर अब वो कसा जा रहा है. That strain was coming on him. अब वो दबाव उसके ऊपर आ रहा था. He's going through a birth pain. वो एक प्रसवता की पीड़ा से गुजर रहा है. He was under a squeeze. वो एक बड़े दबाव के नीचे था. At that time. उस समय. And the spirit come on him. आत्मा उसके ऊपर आ गया. And he stood up. और वो खड़ा हुआ. Being a prophet. नबी होने के नाते. And he said. उसने कहा. I know. मैं जानता हूँ. My redeemer liveth. मेरा
उड़ाने वाला जीवित है। Amen. Amen. See, he had tightened up to his absolute. उसने अपने आप को अपने परम सत्य से बांध लिया था। He had come in contact. वो उसके संपर्क में आ चुका था। He know that he had done what was right. उसे मालूम था कि उसने जो किया था वो ठीक था। And someday. और किसी दिन he had to pull to it. किसी दिन उसको उसकी तरफ खींचना होगा। I know my redeemer liveth. मैं जानता हूँ मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। And at the last days, और अंत के दिन में he stands upon this earth. वो इस पृथ्वी पे खड़ा होगा। Though after the skin worms destroy this body, चाहे जो कीड़े हैं इस देह को नाश करें, yet in my flesh shall I see God. तो भी मैं इसी देह में अपने प्रभु को देखूंगा। He got a revelation of the rapture. उसे रैप्चर का प्रकाशन मिला। He knew there's another job. वो जानता था कि एक और अय्यूब है। This one if it dies, ये अगर मर जाए, God will bring it back. खुदा बने से वापस ले आएंगे। A tree dies, can it live again? एक पेड़ मरता है, क्या वो फिर से जी हो सकता है? There's more hope for a tree than a man. ज़्यादा आशा है एक पेड़ के लिए मनुष्य के बनिस्बत। All my life I'll wait. पूरी जिंदगी में इंतजार करूंगा। Till my change comes. जब तक मेरा बदलाव ना आ जाए। Man that's born of a woman. मनुष्य जो से जन्मा है is of a few days. वो थोड़े दिनों का ही होता But है God said, that's a minute, Job. पर खुदा ने कहा कुछ मिनट और रुक There's another man एक और आदमी है who's not born of a woman. जो स्त्री से पैदा नहीं who's हुआ born by the spoken word. जो बोले हुए वचन से पैदा हुआ है who's born by an uncorruptible seed. जो अविनाशी बीज से पैदा हुआ है And you are the gene. और तू वो जीवन से And I'm bringing you to this revelation. मैं तुझे अब इस प्रकाशन पे ला रहा हूँ to make you realize कि तू इस बात को समझे the greatest revelations of all the times sabse mahaan prakashan mein se prakashan har samay ka there's a hope for a man ek aadmi ke liye aasha hai he has a redeemer uska ek chhudane wala hai and he saw that redeemer aur usne us chhudane wale ko dekha he saw that redeemer usne us chhudane wale ko dekha he saw his absolute usne apne param satya ko dekh hi liya that burnt sacrifice he offered wo jo hom bali wo chada raha tha was only a type and a shadow ye to of the real one amen केवल तस्वीरों पर छाई थी उस हकीकत की he saw the real blood उसने वास्तविक लहू देख लिया and when that blood came out और जब लहू बाहर निकल गया आया speaking seven voices सात आवाजें बोलते हुए there was another Job तो एक और अय्यूब वहां खड़ा हुआ था standing in a glorified body एक महिमा युक्त देह में खड़ा हुआ without worms बिना कीड़ों के Just like a young boy. ठीक है एक जवान लड़के के मानिंद. And he said, I know my redeemer liveth. और वो जान गया उसने बोला कि मैं जानता हूँ मेरा छुड़ाने वाला जीवित है. I got hold of my absolute. मुझे मेरे परम सत्य की पकड़ मिल गई. Nothing can shake me from it. कोई भी मुझे उससे हिला नहीं सकता. I heard of it. मैंने उसके बारे में सुना था. But now I see it. पर मैं अब उसे देखता हूँ. That's why I repent in dust and ashes. तो केवल That's why I repent. इसलिए मैं तौबा करता हूँ राख में और मिट्टी में. Henceforth I'll not try to justify myself. आगे मैं अपने आप को धर्मी ठहराने की कोशिश नहीं करूंगा. I have a justifier. मेरे पास एक धर्मी ठहराने वाला है. Romans 8:33 says. रोमियो 8:33 कहता है. Who can lay anything to the charge of God's elect? खुदा के चुने हुए पे कौन दोष लगा सकता है? It is God. ये खुदा है. It is God. ये खुदा है. It is Jehovah's ram. ये यहोवा का मेड़ा है. That justifieth. जो धर्मी ठहराता है. Nobody can say anything. कोई भी कुछ कह नहीं सकता. They are perfect. वो सिद्ध है. And then God said. खुदा ने कहा. Job, you said the right thing. अय्यूब, तूने सही बात कही. Amen. आमीन. Amen. Hallelujah. You got hold of Amen. तुझे आमीन की पकड़ मिल गई. And the minute he caught hold of that Amen. और जिस क्षण उसने उस आमीन को थाम लिया. The former troubles were forgotten. सारे पुराने जो दुख थे भुला दिए गए. His flesh became young. उसका शरीर जवान हो गया. All the seven children came back. सारे सात बच्चे वापस आ गए. He got a double portion of what he lost. उसे दुगना भाग मिल गया उस सब का जो कुछ उसने खोया था. Job was restored back. अय्यूब बहाल कर दिया गया. Plus a revelation. और उसके साथ एक प्रकाशन. I know my redeemer liveth. कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है. And I've also seen that place. और मैंने उस स्थान को भी देख लिया. Where the redeemer will rise. जहाँ पर वो छुड़ाने वाला जीवित होगा. And he built his grave there. और उसने अपनी कब्र वहीं बनाई. With this promise. इस वायदे के साथ. That I'll come back.
कि मैं वापस आऊंगा and stand on this earth with that redeemer. और इस पृथ्वी पे उस छुड़ाने वाले के साथ वहां खड़ा होऊंगा. Few hundred years later, कुछ सैकड़ों साल बाद, another one caught that revelation. एक और आदमी को वो प्रकाशन मिला. Leave thy father's house. अपने पिता के घर को छोड़. Leave Ur of Chaldees. कसदियों के ऊर को छोड़. And go to the land of Job. और अय्यूब के देश में चला जा. Where his grave is. जहां पर उसकी कब्र है. For I've given you that land. क्योंकि मैंने तुझे वो देश दिया है. As a promised land. एक वायदे के भूमि के रूप में. Flowing with milk and honey. जो जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है. And I'll multiply thy seed. और मैं तेरे बीज को बढ़ा दूंगा. Now this is another character. अभी एक और चरित्र है. And mind you, और गौर करिए, there were many, many. मैं दिखाना ये चाहता हूं. Amen. मैं ड्रामा पढ़ के सुनाऊंगा. बड़ी सिंपल भाषा है लेकिन ये कुछ कह रही है. Amen. अगर आप इसको आज शाम समझ सकें, let it not bypass your mind. ऐसा ना हो कि आपके ये दिमाग के सामने से गुजर जाए. ध्यान से सुनिएगा. Amen. Abraham, Abraham, an absolute, एक परम सत्य, coming down from Babylon, वहां पर नीचे आया बाबुल से, from the tower. उस बुर्ज से. जस्ट वन मिनट प्लीज. एंड आउट इनटू द शाइना. और वहां बाहर शिनार में. एंड आउट देयर वेयर ही वाज सजोर्निंग विद हिज फादर. और वहां आगे उस जगह पे जहां पर अपने पिता के साथ वो परदेसी था. अब ध्यान से देखिए, एक तस्वीर लाइए. एक खेत है, तंबू लगे हैं, एक परिवार जी रहा है, उनमें से एक अब्राहम भी है, उसका एक बूढ़ा बाप. कोई तस्वीर बनाइए दिमाग में. सब हैं, साथ में रह रहे हैं, शाम को रोटी पक रही है, सब मेज़ पे बैठ के खा रहे हैं, पहले नीचे बैठते थे, और सब कुछ साथ में बहुत बढ़िया चल रहा है. तस्वीर जब तक नहीं बनाएंगे समझ में नहीं आएगा. यस yes. अब देखिए क्या हो रहा है. And perhaps was a farmer. और शायद वो किसान था. But one day, पर एक दिन, way back in the jungles somewhere, कहीं ना कहीं वहां पीछे उस जंगल में, maybe picking berries, हो सकता है कुछ berries तोड़ के खा रहा होगा, बेर तोड़ रहा होगा, or going to kill a beast for his meat, या अपने खाने के लिए किसी जानवर के शिकार पे गया होगा. And somewhere back in there, या कहीं वहां पीछे, कहीं अंदर वहीं बैठा है, गया शिकार के लिए है, या झड़बेरियां जो भी हैं बटोर रहा है, खा रहा है, आराम से घूम रहा है जंगल में. अब तस्वीर बनाइए. गॉड स्पोक टू हिम. खुदा ने उससे बात की. व्हेन ही वाज 75 इयर्स ओल्ड. जब वो 75 साल का था. एंड ही वाज एंड हिज वाइफ सेरा बीइंग 65 वाज चाइल्डलेस. और उसकी पत्नी जो सारा थी 65 साल की थी पर बांझ थी. दे डिडंट हैव एनी चिल्ड्रन. उनके पास कोई बच्चे नहीं थे. Then God told him, तब खुदा ने उनसे कहा, you are going to have a child by Sarah. तेरे को एक बच्चा होगा सारा के द्वारा. But in order to do this, पर इसको करने के लिए, you've got to separate yourself. तुझे अपने आप को अलग करना होगा. You see, brother, sister, घूम रहे हैं, जा रहे हैं, बेर उठा रहे हैं, शिकार हैं, शायद नबी बोल रहे हैं, अचानक एक आवाज आई. वो आवाज इतनी स्पष्ट है कि सुनने वाले के दिल में एक सवाल नहीं होता, पता नहीं मैंने सुना भी या नहीं सुना. वो आवाज बहुत स्पष्ट होती है. और यह आवाज जब उसके कान में पड़ी, यह आवाज उसका एब्सोल्यूट बन गई. अब सुनिएगा और अपने जीवनों को भी जांचने की कोशिश करिएगा. एक दिन एक ऐसा अनुभव जब उसने उस खुदा की आवाज को सुना. I'll give you a child. मैं तुझे एक बच्चा दूंगा सेरा, सारा के द्वारा. But in order to do this, पर इसको करने के लिए, you've got to separate yourself. तुझे अपने आप को अलग करना पड़ेगा. God's promises are always on condition. खुदा के वायदे हमेशा एक शर्त पे होते हैं. You must absolutely. आपको पूर्णता करना चाहिए. No matter how fundamental you are with the promise, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना वायदे को लेके fundamental. यानी आप स्पष्ट हैं उसके आधारभूत आधारित सिद्धांतों को लेके, यानी कि
किसी भी वायदे के आधार को लेके आप कितने भी चाहे स्पष्ट हो, यानी आपको मालूम है कि वायदा क्या कह रहा है, आपकी समझ में आ रही है? Okay. वायदा क्या कह रहा है उसके आधार को लेके आप बिल्कुल स्पष्ट हैं. Yes. कि आधार किस वायदे का मतलब ये है, चाहे आप कितने भी स्पष्ट हो, इट्स अंडर कंडीशंस, ये कुछ शर्तों के नीचे होता है, ऑलवेज, हमेशा. हाउ वी कुड स्टॉप हियर, कैसे हम यहां रुक सकते हैं, एंड वेव थ्रू दैट स्क्रिप्चर बैक एंड फोर्थ फॉर आवर्स, और उस पवित्र शास्त्र से आगे पीछे जा सकते हैं घंटों बा घंटों. द कंडीशन इज व्हाट मींस समथिंग, कि वो शर्त होती है कुछ जिसका बहुत बड़ा मतलब है. यू कैन बी जस्ट एज फंडामेंटल एज यू आर, आप कितना भी मौखिक तौर से उस बात को कह सकते हैं जितना चाहें, बट इट्स अंडर कंडीशंस, पर ये कुछ खास शर्तों के नीचे होता है, बाय द प्रॉमिस, जो वायदे के द्वारा है, प्रीडेस्टिनेशन, पहले से ठहराए जाने के द्वारा, एंड सो फोर्थ, और ये सब कुछ. यू सी दोस प्रॉमिसेस आर प्रीडेस्टिनेटेड, आप पाएंगे वो वायदे जो हैं वो पहले से ठहराए गए हैं. इट्स नॉट फॉर एवरीवन, इट लुक्स लाइक इट्स फॉर एवरीवन, ये हर एक के लिए नहीं है, दिखता है कि हर एक के लिए है, बट दैट प्रॉमिस इज फॉर अ सर्टेन पीपल, पर वो वायदा कुछ खास लोगों के लिए है. दोस प्रॉमिसेस आर प्रीडेस्टिनेटेड, वो वायदे पहले से ठहराए गए हैं. How many of you know today? आप में से कितने आज जानते हैं? Benny Hinn, Joyce Meyer, and all these televangelists. और ये तमाम टीवी पे आने वाले प्रचारक. They are preaching faith. ये विश्वास का प्रचार कर रहे हैं. और आप नबी का मैसेज पढ़िए और उनके मैसेज अगर सुन लें, आपको तो ये लगने लगे तो वही प्रचार कर रहे हैं. लगेगा ऐसा है नहीं वैसे. And they are working miracles. और वो आश्चर्यकर्म कर रहे हैं. एंड बाय फेथ दे आर अचीविंग बिग थिंग्स, और विश्वास के द्वारा बड़ी बड़ी चीजों को प्राप्त कर रहे हैं. एंड येट डिनाइंग ब्रदर ब्रैनम, और तो भी इनकार कर रहे हैं भाई ब्रैनम का. येट डिनाइंग दिस मैसेज, तो भी इनकार कर रहे हैं इस संदेश का. बट दे ऑल्सो आर प्रीचिंग फेथ, पर वो भी विश्वास का प्रचार कर रहे हैं. आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं. Will they be the beneficiaries of the third pull? क्या ये तीसरे खिंचाव के लाभधारी हो सकते हैं? Do you know many of them preach Mark 11? आपको मालूम कई उनमें से मरकुस 11 प्रचार करते हैं? They are talking about if you say and the power of speech and all these things. वो बात कर रहे हैं कि जो शब्दों का के अंदर सामर्थ्य, जो अपने मुंह से आप अंगीकार करते हैं उसमें सामर्थ पाई जाती है, इन तमाम बातों के बारे में बोलते हैं. But you think? पर आप सोचिए. Will they be the beneficiaries of the third pole? क्या वो तीसरे खिंचाव के लाभार्थी हो पाएंगे? When the squeeze comes, जब दबाव आएगा, they'll be a part of the system. वो तंत्र के सिस्टम के हिस्से बन जाएंगे. They'll be a part of the World Council of Churches. वो विश्व कलीसियाई संघ के हिस्से बन जाएंगे. But they'll not be the part of the bride. पर वो दुल्हन के हिस्से नहीं बन पाएंगे. This particular third pole, ये खास विशेष तीसरा खिंचाव, is predestinated only for a particular people. ये पहले से ठहराया गया है केवल कुछ खास लोगों के लिए ही. That's why the angel of the Lord said, इसलिए खुदावन के दूत ने कहा, It cannot be mimicked. इसकी नकल नहीं हो सकती. It's not a public show. ये एक कोई पब्लिक शो नहीं है. It's only and only meant for a predestinated people. ये केवल ठहराया गया है पहले से ठहराए हुए लोगों के लिए ही. If you know the tent mission, अगर आपको तंबू का दर्शन याद हो, here's a sister going on a wheelchair. यहाँ एक बहन है जो कि एक व्हीलचेयर पे जा रही है. On the other side she comes pushing her wheelchair. दूसरी तरफ से वो बाहर आ रही है अपनी खुद व्हीलचेयर को खुद चलाते हुए. Here's a brother going on a stretcher. यहाँ एक भाई है जो एक स्ट्रेचर पे लेट के जा रहा है. Inside that room, उस कमरे के अंदर. And coming out pulling his stretcher. और बाहर निकल के आ रहा है अपनी खुद स्ट्रेचर को बाहर धकेल के ला रहा है. And outside there's a man with a mic saying, "Our sister, please explain your testimony, how you were healed." आप और बाहर एक भाई खड़ा है या बहन, वो कह रहे हैं कि माइक के साथ कि अपनी गवाही बताइए कैसे आपको चंगाई मिली. And they said, और उन्होंने बोला, "We can't tell you." हम बता नहीं सकते. Do you remember that vision? क्या आपको दर्शन याद है? We can't tell you how that happened. हम नहीं बता सकते ये कैसे हुआ. Then the prophet and the angel said, rather. तब फिर दूत ने कहा. That's not a public show. ये पब्लिक शो नहीं है. The promises are on condition. वायदे एक शर्त के आधार पे हैं. A part of that promise may be inherited or grabbed by many. एक हिस्सा
एक अंश उस वायदे का हो सकता है, वो मिरास में वारिस होने के नाते या पकड़ के झपट्टा मार के, वारिस के नाते तो नहीं कहूंगा, फिर भी कई जनता के लोग पकड़ लेते हैं और आधा पौना उसका क्या कहेंगे लाभ उठा लेते हैं, लेकिन वो वायदा उनके लिए है नहीं. यस, द प्रॉमिस वॉज नॉट विद हेगर. जो वायदा था वो हाजरा के साथ नहीं था. द प्रॉमिस वॉज विद सेरा. वायदा सारा के साथ था. यू नो द मैसेज. आप संदेश जानते हैं. रिमेंबर ब्रदर. याद रखिए भाई. द सीड कैन नॉट बी एयर विद द शक. बीज भूसी के साथ वारिस नहीं हो सकता. शक कैन नॉट कैच द थंडर्स. जो भूसी है गर्जन नहीं पकड़ सकती. शक कैन नॉट अंडरस्टैंड रैप्चरिंग फेथ. जो भूसी है वो उड़ाने वाला विश्वास नहीं समझ सकती. शक कैन नेवर कैच होल्ड ऑफ दैट एब्सोल्यूट. भूसी कभी भी उस परम सत्य को पकड़ नहीं सकती. शक कैन बी अ पार्ट अ चर्च मेंबर एंड डू मेनी थिंग्स. भूसी जो है हिस्सा बन सकती है, कलीसिया का सदस्य बन सकती है, बहुत कुछ कर सकती है, नॉट दैट एब्सोल्यूट. पर वो परम सत्य नहीं. वन डे अब्राहम हर्ड दैट वॉइस. एक दिन था जब अब्राहम ने उस आवाज को सुना. एंड ही हेल्ड ऑन टू इट. और वो उसको पकड़े रहा. At that time he was 75. उस समय वो 75 साल का हो गया था. Since time is moving fast, I'll also move a little fast. क्योंकि समय तेजी से निकल रहा है, मैं भी थोड़ा तेज चलूं. Abraham he believed God. अब्राहम ने विश्वास किया खुदा पे. And it was imputed unto him for righteousness. और वो उसके लिए धार्मिकता गिना गया. At that time 75. उस समय 75 साल का. And his wife 65. और उसकी पत्नी 65 साल की. First month nothing happened. पहला महीना कुछ नहीं हुआ. His absolute held. उसका परम सत्य बना रहा. Amen. Second month. दूसरे महीने. Second year. दूसरे साल. Ten year. दसवां साल. And 25 years later. और 25 साल बाद. When he was 100. जब वो 100 साल का हो गया. And Sarah was 90. और सारा 90 साल की हो गई. His absolute still held. Amen. उसका परम सत्य तब भी विद्यमान था. You see, एक खास दिन, एक खास मोमेंट, एक खास शाम, एक खास सुबह, एक दोपहर या एक रात. Amen. कोई खास जगह जब खुदा कुछ बोलते हैं. Amen. जब खुदा कुछ रिवील करते हैं. आमीन. और जब व्यक्ति को पता लग जाए ये खुदा ने मुझसे कहा है. आमीन. नो मैटर व्हाट अराइज, व्हाट कम्स और व्हाट गोज, दैट इज एन एब्सोल्यूट फॉर दैट बिलीवर. ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या कुछ उठे, क्या कुछ जाए, क्या कुछ आए, पर वो जो एब्सोल्यूट है, परम सत्य है, विश्वासी के लिए बना रहता है. हालेलुया, हालेलुया. And he cannot be shaken away from that. और वो उससे हिलाया नहीं जा सकता. And finally it brings results. और आखिरकार वो जो परिणाम है वो लेके आता है. For you don't know the thoughts I have for you. Amen. क्योंकि तुम नहीं जानते वो विचार जो मेरे तुम्हारे लिए हैं. Thoughts of peace. शांति के विचार. To give you an expected end. ताकि तुम्हें अपेक्षित अंत दूँ. Don't worry about the battle. युद्ध की चिंता मत करो. It is already won. ये पहले से जीती जा चुकी है. And I'm telling you the end from the beginning. और मैं तुम्हें अंत को शुरुआत से बता रहा हूँ. You have won. कि तुम जीत चुके हो. You have won the victory, brother, sister. तुमने जीत हासिल करी है मेरे भाई मेरी बहन. And we are going in a rapture. और हम एक रैप्चर में जा रहे हैं. I'm telling you in advance. मैं पहले से आपको बता रहा हूँ. If you got hold of that absolute brother, sister. अगर भाई आ बहन आपको वो परम सत्य पकड़ में आ जाए. You sisters. आप बहने, स्पेशली द ओल्ड वंस, खासतौर से वो जो बुजुर्ग बहने हैं, रीड दैट 15 मिनट्स मैसेज, उस 15 मिनट वाला संदेश पढ़िए, रिगार्डिंग द टेस्टिमनी ऑफ सिस्टर ब्रूस, जो कि बहन ब्रूस की गवाही को लेके है. इट्स 964 बिफोर आई थिंक ही प्रीच्ड मास्टरपीस और समथिंग. इट्स अ वेरी शॉर्ट मैसेज, बहुत छोटा संदेश है. इससे पहले उन्होंने सर्वोत्तम रचना प्रचार किया. यू शुड रीड इट सिस्टर्स. आप उसको पढ़िए बहन. एंड आई विल से ब्रदर्स आल्सो. और मैं कहूंगा भाई हो आप भी पढ़िए. एंड सिस्टर ब्रूस इज आस्किंग अ क्वेश्चन फ्रॉम ब्रदर ब्रैनम. Amen. और बहन ब्रूस भाई ब्रायम से एक सवाल पूछ रही हैं. I'm always nervous. मैं हमेशा घबराती हूँ. But I love to pray for the people. I mean, she was praying for the people and helping them. पर वो लोगों के लिए दुआ मांगती थी और उनकी मदद करती थी. And she had one question. और उनका एक सवाल था. You think, brother Branham, I have received the Holy Ghost? क्या आप सोचते हैं भाई ब्रायम मैंने पवित्र आत्मा पाया है? I have a question in my heart. मेरे हृदय में एक सवाल है. Because I don't want to live without it. क्योंकि मैं उसके बगैर रहना नहीं चाहती. And I know without it, we are lost. और मैं जानती हूँ कि उसके बगैर तो हम बर्बाद हो जाएंगे. Do I have the Holy Ghost? क्या मेरे पास पवित्र आत्मा है? And here is a prophet standing before her. और यहाँ एक नबी है जो उनके सामने बैठे हैं. And he looked at Sister Bruce. और उन्होंने बहन ब्रूस की ओर देखा. Said sister. उन्होंने बोला बहन. Most certainly. पक्की तौर से. You have the Holy Ghost. आपके पास पवित्र आत्मा है. And it is because you have the Holy Ghost. और ये क्योंकि आपके पास पवित्र आत्मा है. You are being corrected. आप
सुधार प्राप्त कर रही हैं। एवरी मिनट व्हेन समथिंग रॉन्ग हैपेंस यू आर करेक्टेड। हर समय जब कुछ गलत होता है आपको सुधार मिलता है। That's a big sign. ये एक बड़ा चिन्ह है। You have the Holy Ghost. कि आपके पास पवित्र आत्मा है। Then why don't I feel it? तो क्यों मैं उसको महसूस नहीं कर पाती? Just your person, sister. ये केवल आपकी शख्स की बात है। You are a nervous type. आप एक बड़े घबराने वाली किस्म है। That's why you feel like this. इसलिए आपको ऐसा लगता है। But beyond your feelings, I want to tell you. पर मैं आपकी अनुभूति के पर एक कहना चाहता हूँ। You have it. आपके पास है। Now. Does that become the absolute for Sister Bruce? Amen. अब क्या ये परम सत्य बन जाएगा, निर्णायक बन जाएगा बहन ब्रूस के लिए? Now when she is ready to die, अब जब वो मरने के लिए तैयार हो, she knows she has the Holy Ghost. वो जानती है उनके पास पवित्र आत्मा है. Remember Sister Shepherd's dream? आपको याद है बहन शेपर्ड का ख्वाब? In blasphemous names? निंदा वाले नाम. When she is also seeking the Holy Ghost, जब वो पवित्र आत्मा की खोज कर रही हैं, and through the dream the prophet answered her, और ख्वाब में होके नबी ने उनको जवाब दिया, that you received it, कि तुमने उसको पा लिया. Now these people, अब ये लोग, one day brother Bildao came, एक दिन भाई बिल्डाओ आए, so brother Branham, please tell me, उन्होंने बोला भाई ब्रैनम मुझे बताइए कृपया, that am I saved? क्या मैं बच चुका हूँ? Have I received eternal life? क्या मैंने अनंत जीवन पा लिया है? Brother Branham asked him a few questions. भाई ब्रैनम ने उनसे कुछ सवाल पूछे. And then he quoted a verse. और फिर उन्होंने एक आयत को बोला. He that believeth on me, वो जो मुझ पे विश्वास करे, has passed from death, वो मृत्यु से पार होके, into eternal life, अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है, and shall never come into condemnation, और कभी भी वो दोषारोपण में नहीं आएगा. He said, brother Bill, उन्होंने बोला भाई बिल, you are saved, आप बच चुके हैं. And then he said, happy birthday to him. और फिर उन्होंने हैप्पी बर्थडे बोला उनको. Now these people had an absolute. अब इन लोगों के पास एक परम सत्य था. A prophet telling them directly. एक नबी उन्हें सीधा सीधा बता रहे हैं. You're saved. तुम बच चुके हो. You got the Holy Ghost, Sister Bruce. बहन ब्रूस आपको पवित्र आत्मा मिल गया. Now you think that if I could be there in the time of that prophet. अब आप ये सोचेंगे काश अगर मैं नबी के जमाने में हो पाता समय में. But I want to say the prophet is still here. मैं आपको ये कहना चाहता हूँ नबी तो अभी भी यहाँ पर है. He is in those tapes. वो उन टेप्स में है. And one fine day as you were playing that tape. और एक खास दिन जैसे आप उस टेप को बजा रहे थे. You heard that voice. आपने उस आवाज को सुना. Speaking in your heart. जो आपके हृदय में बोल रही थी. And you know it was a very certain voice. और आप जानते थे कि बिल्कुल निश्चित वो ध्वनि थी. When you heard that voice, brother, sister. जब आपने उस आवाज को सुना मेरे भाई मेरी बहन. Remember. याद रखिए. Now nothing should shake you from that. अब कोई भी चीज आपको उससे डिगा ना पाए. That's your absolute. ये आपका परम सत्य है. The prophet said it. नबी ने इसको कह दिया. And God said it through the prophet for me. खुदा ने नबी के द्वारा मेरे लिए बुलवाया इस बात को. And I hang on to that. मैं उसको थामे हुए हूँ. And then finally. और आखिरकार. It comes to pass. ये घट जाता है. I will show you one more example, then probably coming to a close. मैं आपको एक उदाहरण और दिखाऊंगा फिर शायद हम. उदाहरण दिखाने का मकसद कुछ है. Amen. कि आपको ये समझाया जाए कि लोगों को उनका एब्सोल्यूट अल्टीमेट एमेन मिलता कैसे है. Amen. Let's take Moses. आइए मूसा को लें. Moses, the runaway servant prophet. मूसा वो भागा हुआ दास नबी. That God had raised him up and educated him in Pharaoh's palace. जिसको खुदा ने बड़ा किया था पाला था और प्रशिक्षण दिया शिक्षा दी थी फिरौन के महल में. And Moses went out with his theological training. और मूसा आगे बढ़ा अपनी थियोलॉजिकल ट्रेनिंग के साथ. And was the first man he slew. और उसने पहली चीज जो करी वो एक आदमी की हत्या करी. Then the first little defect come along. फिर सबसे पहली जो गड़बड़ी है वो आ गई. Then Moses was scared to death. कि मूसा जो है मौत के डर से परेशान हो गया. Why? क्यों? He had no absolute. उसके पास कोई परम सत्य उस वक्त था नहीं. एक व्यक्ति है बचपन से उसके पास पुकार है. उसकी माँ से बता चुकी है. वो खुदा को जानता है. प्रशिक्षित है. ज्ञान प्राप्त किया. खूब एजुकेशन प्राप्त करी. एक आदमी की इस चक्कर में हत्या भी कर दी कि शायद लोग पहचाने कि मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला हूँ. लेकिन जब न्यूज आए कि पकड़ो इसे तो डर के भाग रहा है कि कहीं मर ना जाऊं. नबी ने कहा भाग क्यों रहा है? इसके पास अभी एब्सोल्यूट है नहीं. ही हैड नो एब्सोल्यूट.
उसके पास कोई एब्सोल्यूट नहीं था. Try to relate your life. Amen. He only had his mother's testimony of his birth. उसके पास केवल उसकी पैदाइश की गवाही थी जो उसकी माँ ने उसे दी थी. He was a strange child. वो एक विचित्र बच्चा था. He had his mother's word about it. उसके पास उसकी माँ की कहे शब्द थे उसके बारे में. He had the scrolls. उसके पास वो लपेटे हुए पत्र थे. That God had perhaps in paper somewhere they had written. जहाँ पर खुदा ने शायद कहीं लिखा हुआ था. उसके पास किताबें थी. Yes. उसके पास लिखित पत्र थे जिसे वो पढ़ सकता था. उसके पास ज्ञान था अपनी माँ से. उसके पास ये सब कुछ था. Packed along with them. उन सबको वो लेके चला था. That God was going to visit his children. और वो पढ़ता था उसमें से कि खुदा एक दिन अपने बच्चों को विजिट करेगा, करेंगे. He know that that was the time. वो जानता था कि ये वो समय है. वो यहां तक पहुंच चुका था कि वो समय भी यही है. Like we do now. ठीक जैसा हम अब करते हैं. We know something is fixing to happen. हम ये जानते हैं कुछ अब घटने के तैयार है. Now Moses know that was the time. अब मूसा ये जानता था कि वो समय था. And he know that he was chosen for it. और वो जानता था कि वो उसके लिए चुना गया है. But he didn't have an absolute seed. पर उसके पास कोई परम सत्य नहीं था देखा. And one day. और एक दिन. On the backside of the desert. उस जंगल के पिछले भाग में. When he had lost the vision. जब उसने दर्शन खो दिया था. God appeared to him. खुदा उसके सामने प्रकट हुए. In a burning bush. एक जलती झाड़ी में. And he said, Moses. और कहा मूसा. I have seen the afflictions of my people. मैंने अपने लोगों के दुखों को देखा है. I have heard their groans. मैंने उनकी कराहटों को सुना है. And crying. और उनके चिल्लाने को. Of those taskmasters punishing them. और उन तमाम जुल्म ढाने वालों के द्वारा जो उन्हें सजा देते हैं. And I've remembered my promise. मैंने अपने वायदे को याद किया है. I've come down to deliver them. मैं नीचे उतर आया उन्हें छुड़ाने के लिए. Now go down to Egypt. अब नीचे जा मिस्र में. जहां से तू डर के भागा था. Yes. अब मैं तुझे वहीं भेज रहा हूं. Amen. निडर होके जा. Oh my! Oh my! And Moses said, Moses complaining, saying, Musa ne shikayat karte hue kaha, I don't speak very well. Main acha bol nahi pata. My deliverance is not very well. Mera jo baat karne ka tarika hai, wo sahi baat keh nahi pata. They won't believe me. Wo mujhe vishwas nahi kar payenge. He said, What's in your hand? Unhone bola ki tere haath mein kya hai? He said, A stick. Bola ek lathi hai. He said, Throw it down. Unhone bola niche dal de. It turned to a serpent, said, Pick it up by the tail. वो एक सांप में बदल गई और कहा कि इसे पूंछ से उठा ले. It turned back again to a stick. फिर से वो लाठी बन गई. He was giving him the assurance. वो उसे आश्वासन दे रहे थे. A vindication. एक पुष्टिकरण. When God gives an absolute. जब खुदा एक परम सत्य देते हैं. He gives the vindication to that absolute. Amen. Always. वो एक पुष्टिकरण देते हैं. उस परम सत्य के लिए हमेशा. I say to some Moseses today. मैं कुछ आज मूसाओं से कहूंगा. I say to some brothers and sisters. मैं कुछ आज भाई बहनों से कहूंगा. We were also moving. हम भी चल रहे थे. We were also a church. हम भी एक कलीसिया थे. We also had good messages. हमारे पास भी अच्छे अच्छे संदेश थे. Years together. साल बा साल. But one day. अरे एक दिन. That same fire, वही आग, appeared to us, हमारे सामने प्रकट हुई. The same pillar of fire, वही आग का खंभा. That came in the burning bush, जो जलती झाड़ी में आया. That came to Paul, जो पौलुस के पास आया. On the way of Damascus, दमिश्क की राह पे. That came with Brother Branham, जो भाई ब्रैनम के साथ आया. Came to us, वो हमारे पास भी आया है. Speaking something, कुछ कहा कुछ बोलते हुए. Amen. Bride will not die. ये दुल्हन नहीं मरेगी. She's going in a rapture. वो तो रैप्चर में जा रही है. What is that light? वो रोशनी क्या है? What is that voice? वो आवाज क्या है? What is this message? वो ये संदेश क्या है? It's our absolute. ये एक परम सत्य है. Then some young boys. फिर कुछ जवान लड़के. Then some sisters. फिर कुछ बहनें. Got hold of that absolute. उन्होंने अपने परम सत्य को पकड़ लिया. What happened? क्या हुआ? God changed their name. खुदा ने उनके नामों को बदल दिया. They were born again. उन्हें जन्म प्राप्त हुए. God told them. खुदा ने उनसे कहा. I have
chosen you. मैंने तुम्हें चुना है. I can never change my mind. मैं अपने मन को कभी नहीं बदल सकता. Many will be confused. कई भ्रमित होंगे. And will go confused. और भ्रमित हो जाएंगे. But you are not confused. पर तुम भ्रमित नहीं हो. I have visited you. मैं तुमसे मिलने आया हूँ. You don't have a second or a third question. तुम्हारे पास कोई दूसरा तीसरा सवाल नहीं है. You have an absolute. तुम्हारे पास एक परम सत्य है. Why should he visit us? क्यों वो हमसे मिलने आए? Those that were not seeking for him. वो जो उसकी खोज में नहीं थे. He appeared unto them. वो उनके सामने प्रकट हो गए. In the ends of the earth. पृथ्वी के अंतों छोर तक. Look and live. पृथ्वी के अंतों को अंत देखो और जीवित रहो. Look and live. देखो और जीवित रहो. Look at Jesus. यीशु की ओर देखो. And live. और जीवित रहो. That light. वो रोशनी. That same pillar of fire. वही आग का खंबा. That came to Paul. जो पौलुस के पास आया. On the way of Damascus. दमिश्क की राह पे. That came to Peter in the prison. जो पतरस के पास उस कैद खाने में आया. And came to the Moses. और भाई मूसा के पास आया. In the burning bush. उस जलती झाड़ी में. Why should he appear at such a late hour to us? क्यों वो इतनी बीती हुई घड़ी में अब हमारे सामने प्रकट हो रहा है? Why should he come to us and say, look at live? क्यों वो हमसे आगे गए देखो और जीवित रहो? Why should he go to the book of Ezekiel? क्यों वो इज़कैल की किताब में जाए? Why should he go to the book of Isaiah? क्यों वो यशायाह की किताब में जाए? What's the attraction? आकर्षण क्या है? Prophecy. नबुवत. Becoming history. इतिहास में बदल रही है. Prophecy, brother. नबुवत मेरे Prophecy, भाई. Prophecy, sister. नबुवत मेरी बहन. It's an absolute. ये एक परम सत्य है. And when some brothers and sisters got tied to that absolute. और जब कुछ भाई और बहन उस परम सत्य से जुड़ गए, immediately waves started rising in those lives. एकदम से लहरें उन जीवनों में उठने लगी. Because it was their testing time. क्योंकि ये उनका परीक्षा का समय था. But they held on. पर वो थामे रहे. What happened? क्या हुआ? They started receiving the rewards. उन्हें उनके प्रतिफल मिलने लगे. Let me tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा. No matter what happened to Job. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कुछ अय्यूब के साथ हुआ हो. No matter what the situation was in Egypt. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मिस्र में क्या हालात थे. The more Amram prayed, the more worse the situation became. जितना अधिक अमराम ने प्रार्थना करी उतनी और बदतर हालत बनती चली गई. Today you are praying. आज आप प्रार्थना कर रहे हैं. And it appears that the prayers are not answered. और ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी दुआओं का जवाब आ नहीं रहा. The world is becoming darker and darker. दुनिया और अंधकार में होती जा रही है. No brother. नहीं मेरे भाई. But somewhere you heard a voice. पर किसी जगह आपने एक आवाज को सुना. Watchman. हे पेरुए. Watchman. हे पेरुए. What of the night? रात का क्या समाचार है? The morning cometh. सुबह आती है. And also the night. और रात भी आती है. Are you catching the message? क्या आप संदेश पकड़ पा रहे हैं? Then one day. फिर एक दिन. You heard that voice. आपने उस आवाज को सुना. Personalized to your life. जो कि आपके जीवन के लिए व्यक्तिगत हो गई. You see, it's so important to hear that voice. आप पाएंगे इतना महत्वपूर्ण है उस आवाज को सुनना. This year. इस साल. In the beginning of the year. साल की शुरुआत में. I'll not tell you when. मैं आपको बताऊंगा नहीं कब. But I heard that voice. पर मैंने उस आवाज को सुना. A very definite voice. एक बहुत ही निश्चित आवाज. And it said certain things. और उसने कुछ खास चीजों को बोला. And I'm seeing those things happening. और मैं उन चीजों को होता हुआ देख रहा हूँ. But Branham said. भाई ब्रैनम ने कहा. Abraham was just like any other man. अब्राहम ठीक किसी भी आदमी के समान था. What made him different from the rest? क्या चीज थी जिसने उसको फर्क बनाया दूसरों से? That call. वो बुलाहट. That voice. वो आवाज. That voice doesn't speak with everybody. वो आवाज हर एक से नहीं बोलती. But it speaks to his own. पर वो अपनों से बोलती है. Amen. And the minute he saw that fire in that bush. और जिस क्षण उसने उस झाड़ी में उस आग को देखा. There was a voice of the sign. एक चिन्ह की आवाज. चिन्ह की आवाज आ गई. Moses, मूसा, I have seen the afflictions of my people. मैंने अपने लोगों के दुख को देखा है पीड़ा को. God help me. And now I've come down. मैंने देखा है और मैं अब नीचे उतर के आया हूं. Now you go. अब तू जा. And deliver them. और इन्हें छुड़ा ले. How can I do it, Lord? मैं कैसे कर सकता हूं प्रभु? You are educated. और तू तो बहुत पढ़ा लिखा है. You have a military training. तेरे पास एक सेना की ट्रेनिंग भी है. You saying such a statement?
तू ऐसा वाक्य बोल रहा है? I don't know. मैं हकलाता हूं, मैं नहीं जानता. When you come in that presence, जब आप उस मौजूदगी में आते हैं, that's how you feel. ऐसा ही आप महसूस करते हैं. What did Paul said? पौलुस ने क्या कहा? When he came on the way of Damascus, जब वो दमिश्क की राह पे आया. Oh King Agrippa, हे अग्रिप्पा बादशाह. I was never disobedient. मैं कभी भी अनाज्ञाकारी नहीं हुआ. To that heavenly vision, उस स्वर्गीय दर्शन के लिए. When I heard that voice, जब मैंने उस आवाज को सुना, that was his absolute. वो उसका परम सत्य था. Saul, Saul, हे शाऊल, हे शाऊल. You see, there's a day for every Saul. आप पाएंगे एक दिन होता है हर एक शाऊल के लिए. There's a day for every sister and a brother. एक खास दिन होता है हर एक भाई और एक बहन के लिए. There's a day for that woman at the well. एक दिन होता है उस कुएं पे आई हुई स्त्री के लिए. Or that woman who kissed his feet. या वो स्त्री जिसने उसके पैर को चूमा था. They were those which were tied to that absolute. ये वे थे जो अपने परम सत्य से बंधे हुए थे. Why are you preaching this message today, brother? भाई आज आप ऐसा क्यों मैसेज प्रचार कर रहे हैं? Because this is the time. क्योंकि ये वो समय है. That absolute will do something. वो परम सत्य कुछ करेंगे. You are under a trial. आप एक परीक्षा में हैं. Few Sundays back, I said to the ministers. कुछ संडे पहले मैंने सेवकों से कहा था. And I, you know, I have been through a lot of ups and downs. और आप जानते हैं मैं बहुत उतार चढ़ाव में से गुजरता हुआ आया हूँ. I went to Brother Gupta's house to meet those brothers from Andhra and their families. भाई गुप्ता के घर गया उन भाइयों से मिलने के लिए जो आंध्रा से आए थे परिवारों के साथ. In a spirit of days. एक ऐसे खोए हुए स्थिति में. Because I was in such a state that I didn't have any solution. क्योंकि मैं एक ऐसी स्थिति में था कि मेरे पास कोई अब उपचार ही नहीं है, समाधान ही नहीं है. And I was left to do just one thing. और मैं केवल छोड़ दिया गया एक ही काम करने के लिए. Pray and just believe. कि प्रार्थना करूं, विश्वास करूं. There's no solution, brother. कोई समाधान नहीं है भाई. And I was just set to pray and believe. और मुझे बस यही था मेरे लिए कि मैं बस प्रार्थना करूं, विश्वास करूं. And I told brother Mark and all those brother Pastor Pradeep and my precious brothers. और मैंने भाई मार्क से और पास्टर प्रदीप और सब भाई मेरे बहुत ही बेशकीमती भाइयों से कहा. I said, you people, be careful. मैंने कहा आप लोग सतर्क हो जाइए. You will be tested. आपकी परीक्षा होगी. And I told the ministers also the same thing. और मैंने प्रचारकों से भी यही बात कही. Why I'm saying that? क्यों मैं ये कह रहा हूँ? This is the time, brother. ये वो समय भाई. When these ministries will be crowned. जब इन सेवकाइयों की ताजपोशी होगी. And God is taking you and I through that face. खुदावन आपको और मुझे उस चरण से लेके जा रहे हैं. Let me tell you something. मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ. This is the time. ये वो समय है. When He is proving His absolute in us. जब वो अपने परम सत्य को उस निर्णायक को हम में साबित कर रहे हैं. And then on Tuesday I came. और फिर ट्यूसडे में आया. And I started preaching birth pains. और मैंने प्रसवता की पीड़ा प्रचार करना चालू करा. One final pain. एक अंतिम दर्द. And I didn't know. और मैं नहीं जानता था. The results were coming already. Results पहले से आ रहे थे. And how Jehovah Jireh helped me. और कैसे यहोवा यिरे ने मेरी मदद करी. Oh, His great deliverance. Oh, उनकी महान छुड़ाने वाली. Immediately after that. एकदम से उसके बाद. I heard another good news. मैंने एक और अच्छी खबर सुनी. Then I heard another good news. फिर मैंने एक और अच्छी खबर सुनी. Pending cases. बहुत पहले से pending जो केसेस थे. Pending problems. बड़ी लगातार बहुत समय से बनी हुई समस्याएं थी. Now immediately coming to fulfillment. अब एकदम से उसका पूर्तिकरण हो रहा है. Solve हो गई. And I personally feel. अब मैं निजी तौर से ये महसूस करता हूँ. He is now changing the season. वो मौसम को बदल रहे हैं. Amen. I personally believe. मैं निजी तौर से विश्वास करता हूँ. It is a test for you and me. ये आपके और मेरे लिए अब एक परीक्षा की घड़ी है. This November I can't forget. ये नवंबर मैं भूल नहीं पाऊंगा. There's some standing here who knows it. कुछ हैं जो यहाँ खड़े हैं जो इसको जानते हैं. And in that pressure. और उस दबाव में. How Romans 8 came to me. कैसे रोमियो 8 मेरे पास आया. And I hanged on to it. और मैं उसको पकड़े रहा. By the way, I give you a news. I heard. You keep it in prayer. मैं आपको खबर देता हूँ. मैंने सुना. आप इसको दुआ में रखिए. भाई राकेश की बेल हो गई है. और वो खुदा रहम करे इस आने वाले हफ्ते बाहर आ जाएंगे. हालेलुया. आप लोगों ने दुआ करी. आमीन. खुदा रहम करे वो दुआएं सुन ली गई.
You see, brother, the devil doesn't leave. आप पाएंगे शैतान छोड़ता नहीं है. Greater is he that's in us. पर वो बड़ा है, वो जो हम में है. Now what, brother? अब क्या भाई? The minute he saw that fire. जिस क्षण उसने उस आग को देखा. And that voice speaking to him. और उस आवाज ने जो उससे बोल रही थी. That was his absolute. ये उसका परम सत्य था. Amen. What about Paul? पॉलुस के बारे में. We can just go on, but I'll just go a little fast. Sit down, please. तेज चलूँगा. बैठिए कृपया. Daniel, his absolute. Daniel अपने परम सत्य के साथ. Shadrach, Meshach, Abednego, they had their absolute. Shadrach, Meshach, Abednego, उनके पास उनका परम सत्य था. David had his absolute. दाऊद के पास उसका परम सत्य था. Now Paul's absolute. अब पौलुस का परम सत्य, which we just read in the scripture, जिसको अभी हाल ही में हमने वचन में पढ़ा. When I was going, O King Agrippa, जब मैं जा रहा था, हे अग्रिप्पा राजा, in the middle of the day, दिन के बीच में, I saw that light, मैंने उस ज्योति को देखा. It struck me, उसने मुझे पकड़ लिया. Saul, Saul, और कहा, हे शाऊल, why persecutest thou me? तू मुझे क्यों सताता है? Who are you, Lord? आप प्रभु कौन है? I know that was my Lord. मैं जानता था कि वो मेरे प्रभु है. And तब मैं टाइम नहीं, आप जाके जब पढ़ी, नबी ने कहा, Paul had the bookish knowledge. पौलुस के पास वो किताबी ज्ञान था. He had read the prophets. उसने नबियों को पढ़ रखा था. He had books. उसके पास किताबें थीं. Today I'll say he had tapes. आज मैं कहूँगा उसके पास आज टेप्स हैं. He had books. He had tapes. He had Bible. He had all the resources. उसके पास सारे स्रोत हैं. उसके पास बाइबल है, टेप्स हैं, किताबें हैं. But what happened? पर क्या हुआ? He was missing one thing. वो एक बात में कमी थी उसकी. That personal visit of God. वो व्यक्तिगत मुलाकात खुदा से. And on the way of Damascus. और दमिश्क की राह पे. When he heard that voice. जब उसने उस आवाज को सुन लिया. Today, where will that voice come from? आज वो आवाज कहाँ से आएगी? Right from those tapes. ठीक उन टेप्स में से. That voice is still in that message. वो आवाज आज भी संदेश में है. वहीं से एक शकल उभरेगी. वहीं से एक आदमी उभरेगा. Amen. वहीं से एक आदमी बनेगा. मैं बड़ी अजीब सी बात बोल रहा हूं इस वक्त. आमीन. लेकिन मैं कोई ऐसी भूत बंगले वाली कहानी नहीं सुना रहा कि अलादीन ने वो चिराग मला और एक जिन आ गया. लेकिन बात है कुछ ऐसी ही. इसे रगड़ा, सात आत्माएं खड़ी हो गईं. आमीन. हालेलुया. समझने की कोशिश करना. मैं वो सिखा नहीं रहा हूं कि वो वैसे, लेकिन आप समझने की कोशिश करें. जब आपने इसे पढ़ा, जब आपने वो टेप सुना, उसमें से एक आदमी निकला. नहीं ब्रदर, वो तो झाड़ी में ही आता है. जमैका में सेवन सील्स सुनी जा रही थी टेप रिकॉर्डर पे. टेप रिकॉर्डर पे पिलर ऑफ फायर आके खड़ा हो गया. तो पिलर ऑफ फायर ये बता रहा था, जहां मेरी आवाज है मैं वहां हूं. तो फिर विजयवाड़ा में क्यों आया? Why I'm saying these things? क्यों मैं इन बातों कह रहा हूं? There is some absolute. कुछ परम सत्य है. For the bride of Christ. मसीह की दुल्हन के लिए. And they who are tied to that absolute. और वो जो उस परम सत्य से जुड़े हुए हैं. There might be people. लोग हो सकते हैं. Who want a child. जिन्हें बच्चा चाहिए. And they are just waiting. और वो ठीक इंतजार कर रहे हैं. Like Abraham and Sarah. जैसे अब्राहम और सारा कर रहे थे. No, it can't be. अभी ऐसा नहीं हो सकता. It will be. ये ऐसा होगा. Amen. It's not can be. ये ऐसा नहीं कि हो सकता है. It will be. ये होगा. If thou canst believe. अगर तू विश्वास कर पाए. Believest thou this? क्या तू विश्वास करता है? Oh brother. Oh भाई. Will brother Rahul George rise again? क्या भाई राहुल जोर जी उठेंगे? Will brother Lal rise again? क्या भाई लाल जी उठेंगे? Brother Tony Martin? भाई टोनी मार्टिन? Brother Matthews? भाई मैथ्यूज? Brother Peter? भाई पीटर? Believest thou this? क्या तू विश्वास करता है? Let's go to the grave. आओ कब्र पे जाएं. Amen. Let's call them back. आओ उन्हें वापस बुलाएं. That same voice. वही आवाज. Of resurrection. पुनरुत्थान की. Is right here now. वो ठीक यहाँ पर अभी इस वक्त है. Oh church. Oh कलीसिया. If you can hear your absolute. अगर आप अपने परम सत्य को सुन पाएं.
Amen, amen. एक डेफिनेट आवाज, एक निश्चित आवाज, yes. जिसे आप डिनाई नहीं कर सकते. Amen. जो आवाज कहे आपसे तुम ठीक कहते थे. Amen. तुमने ठीक सोचा. Then a man comes to know. जब एक आदमी ये जान जाए, उसे पता लगे with an amen. कि अब वो एक आमीन से बात कर रहा है. Yeah. It's a very, very different experience. बहुत बहुत फर्क अनुभव होता है. He doesn't trust in any man. वो अब किसी आदमी भरोसा नहीं करता. मैंने आपको मैसेज में ही बोला. Yes. कोई आदमी अभी रिसेंटली जो मैं कोर्ट गया था, हाई कोर्ट, वो बेचारा वकील वहीं का वहीं खड़ा रह गया. जज मुझसे बात करने लगा, मेरी टांगे लड़खड़ा रही थी. हमने सोचा वकील से बात करें, वकील बोलेगा. जज मुझसे बात करने लगा, कहां से शब्द मेरे मुंह में आए, मैंने बोल दिए. जज ने सुन लिया, कह दिया ठीक है. अब बाहर आते हैं, वो मेरा साथी डॉक्टर कहता है, अरे आप तो छा गए डॉक्टर साहब, आप छा गए. मैंने, मैं नहीं, मेरा यीशु मसीह छा गया. ना ना, हमें तो ये भी नहीं मालूम कि बोलना क्या है, इस बोलने से वो गुस्सा होगा या खुश होगा. हमें तो मालूम नहीं जज क्या इसके ऊपर अपने रिएक्शन दिखाएगा, हमें नहीं मालूम. और वकील खड़ा रह गया, उसकी फाइल सब की सब वहीं की वहीं रह गई. सारे सवाल वो मुझसे पूछ रहा. हमारे केस को किसी केस से जोड़े तो मैंने उसको बोला साहब ये केस है ही नहीं. जज ने कहा ठीक है. अब वो बाहर निकल के कहता है, यार डॉक्टर लाल आपने क्या चीज बोल दी. मैंने कहा क्या कुछ नहीं बोला यार भाई. मुझसे पहले कहता आज आपका टेस्ट है. मैंने कहा टेस्ट पास हो गया भाई. तो ये सवाल इस बात का है. तो मुझे याद है कि नबी भी तो कोर्ट गए थे उस विजिटेशन से पहले, और उन्होंने किसी के लिए बातें करी थी. और तब जज ने वो बात सुन के कहा था ठीक है, इनको हम अब लाइफ सेंटेंस देते हैं, इनको मारेंगे नहीं. कुछ ऐसा हुआ था नबी के साथ भी जब वो प्रचार करते हैं. और थिंक आई थिंक द नेम ऑफ दैट मैसेज इज अगेन एब्सोल्यूट. आई थिंक दैट्स ऑल्सो एब्सोल्यूट. देन व्हाई एम आई प्रीचिंग एब्सोल्यूट टुडे. आमेन. उस संदेश का नाम भी परम सत्य है. तो फिर मैं क्यों प्रचार कर रहा हूं आज परम सत्य का? Because after that absolute, क्योंकि उस परम सत्य के बाद, which he now preached in Houston, जिसको अब उन्होंने ह्यूस्टन में प्रचार किया, he went to the sunset mountain. वो सनसेट पहाड़ पे गए. And that's when the visitation happened. और ये वो समय था जब वो दूतीय मुलाकात हुई. Are we somewhere? क्या हम कहीं आ गए हैं? Are we somewhere tonight? Amen. क्या हम आज रात्रि कहीं पे हैं? My brother. मेरे भाई. Brother Branham said. भाई ब्रैनम ने कहा. In the time of Hitler. हिटलर के समय में. Hitler was people's absolute. हिटलर लोगों का एब्सोल्यूट था. लेकिन वो एब्सोल्यूट टूट गया. Yes. और वो लोग जिनका एब्सोल्यूट हिटलर था वो भी टूट गए. For some Mussolini was their absolute. कुछ के लिए मुसोलिनी उनका एब्सोल्यूट था. And Mussolini with them finished. Mussolini उनके साथ बर्बाद हो गया. He said, I'll tell you some. मैं बताऊंगा कुछ हैं, whose absolute was not in any man, जिनका परम सत्य किसी आदमी में नहीं था, but in the word of God, पर खुदा के वचन में, they are still alive today, वो आज भी जीवित हैं, and their names are still spoken today, और उनके नाम आज भी होठों पे आते हैं, बोले जाते हैं, they have not died, वो नहीं मरे. Oh, what an absolute Moses had. Oh, क्या परम सत्य मूसा के पास था. Are you with me till now? क्या आप मेरे साथ हैं अभी भी? Now, I just show these examples to give you an idea of how that absolute comes. मैंने आपको कुछ उदाहरण दिखाए कि आपको एक विचार दूं कि कैसे एक परम सत्य आता है. In that same message, उसी संदेश में, in para 225 and 226, 225 और 226 अनुच्छेद में, and I remember, और मुझे याद है, when he swept down there in that big light. जब वो नीचे ठीक उतर के आया उस बड़ी रोशनी में, स्टैंडिंग ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, वो ठीक वहां पर उस नदी किनारे खड़ा हुआ था. 1933 जून के महीने में, when he said, जब उसने कहा, as John the Baptist was sent forth, जैस मदन वाला भेजा गया था, and forerun the first coming of Christ, और मसीह की पहली आमद का पेशरो था, I send you with a message to the world, मैं तुझे एक संदेश के साथ दुनिया पे भेजता हूँ, to forerun the second coming of Christ, ताकि ये मसीह की दूसरी आमद का पेशरो बनाऊं, and around the world she's went, और पूरी दुनिया में वो गई है,
when revival fires jab bedari ki aagein had been built for 15 years on nearly every mountain badhai gayi hain lagbhag 15 saal se har ek pahad pe and that fire came to us also amen aur wo aag hamare paas bhi aayi hai divine healing across the nations divya changai jatiyon mein and the power and restoration aur samarth aur bahali karan and now I believe और अब मैं विश्वास करता हूं शी इज रेडी टू स्ट्राइक दैट फाइनल क्लाइमैक्स वो तैयार है कि उस अंतिम चरम पे पहुंच जाए योंडर जो कि वहां उस पार है टू ब्रिंग फोर्थ अ फेथ ताकि एक ऐसे विश्वास को लेके आए दैट विल रैप्चर द चर्च इनटू ग्लोरी जो कलीसिया को महिमा में रैप्चर कर देगा एंड शी इज लेइंग इन द मैसेजेस और वो संदेशों में पाई जाती है Where is the rapturing faith? वो उड़ाने वाला विश्वास कहाँ है? It's laying in the messages. ये संदेशों में पड़ा हुआ है. And now she's ready. और अब वो तैयार है. To strike that final climax. कि वो उस अंतिम चरम पे पहुंचे. What will happen in that climax? क्या होगा उस चरम में? That God of Amen. वो आमीन का खुदा. Will stand before them. वो उनके सामने खड़ा होगा. And say. और कहेगा. Now stand. अब खड़ा हो. Speak. बोल. And I'll say an amen. और मैं एक आमीन बोलूंगा I am your amen. मैं तुम्हारा आमीन हूँ. It's me who talked with you that day. ये मैं था जिसने तुमसे वहाँ उस दिन बात की थी. It's me who revealed myself to you that day. ये मैं था जिसने अपने आप को तुम्हारे पे उस दिन प्रकट किया था. It's me who showed you this vision. ये मैं था जिसने तुम्हें ये दर्शन दिखाया है. Or perhaps a dream. या शायद एक ख्वाब. And now. और अब. I have come down. मैं नीचे उतर के आया हूं to say an amen to your faith कि तुम्हारे विश्वास पे आमीन बोलूं that I come in you कि मैं तुम्हारे अंदर आ जाऊं इतने दिनों तक वो बात पूरी नहीं हुई और तुम्हारे अंदर एक सवाल आने लगा पता नहीं होगी भी या नहीं मैं ये बताने आया हूं होगी amen now stand अब खड़ा हो speak the word और वचन को बोल दे I am that God of amen मैं उस आमीन का खुदा हूं unlimited in power असीमित शक्ति में क्या ये भी हो सकता है क्या ये भी हो सकता है सब कुछ हो सकता है Amen. Just believe it, brother. ठीक विश्वास करिए भाई Now we are living in that time. अब हम उस समय में रह रहे हैं When that power is going to strike this church. जब वो सामर्थ्य इस कलीसिया पे आएगी And before it happens. और इससे पहले कि वो हो Everyone where that power will come will go through a rough phase. हर एक शख्स जहां पर वो सामर्थ्य आएगी वो बहुत ही परेशानी के समय से गुजरेगा कई गुजर चुके हैं कुछ गुजर रहे हैं कुछ गुजरेंगे दे हैव टू उन्हें गुजरना है बिकॉज इट इज दिस दैट ब्रिंग्स देम टू दैट प्लेस क्योंकि ये वो है जो उन्हें उस स्थान पे लाती है दैट दे फाइनली स्टैंड अप एंड से कि वो आखिरकार खड़े हों और कहें यस लॉर्ड जी हाँ प्रभु नथिंग होल्ड्स बट योर वर्ड कोई और चीज टिकती नहीं केवल आपका वचन है And then they hang to that word, जब आप उस वचन को पकड़ के रखते हैं And it happens, और ये हो जाता है you are delivered. आप छुड़ा लिए जाते हैं The Bible says, बाइबल ये कहती है that God doesn't put a man in test to such an extent that he cannot bear it. बाइबल ये कहती है खुदावन किसी को परीक्षा में सहने से बाहर नहीं डालते But he also makes a way of escape. पर वो एक बच निकलने का मार्ग भी बनाते हैं Remember, याद रखिए there is a way of escape also. एक बच निकलने का मार्ग भी है For his bride. उनकी दुल्हन के लिए For his people. उनके लोगों के लिए Can we say amen? क्या मामीन कह सकते हैं Now did he talk with you someday? अब क्या किसी दिन उन्होंने आपसे बात की थी For those who can say yes. वो जो कह सकते हैं हाँ amen. I heard his voice. मैंने उनकी आवाज को सुना है I definitely heard that voice. मैंने पक्की तौर से उनकी आवाज को सुना है Then I'm asking your next question. तब मैं अगला सवाल आपसे पूछता हूँ What did that voice tell you? उस आवाज ने आपको क्या बताया Focus on that. इस पे केंद्रित हो Then let anybody say anything. फिर चाहे कोई भी कुछ भी कहता रहे You focus on that voice. आप केवल उस आवाज पे ही केंद्रित हो जाएं. Catch hold of it. उसको बड़े कस के पकड़ लें No matter what the world says. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है I know you said it. मुझे मालूम है आपने मुझसे कहा You said it.
हाँ आपने मुझसे कहा है. एवरी डे मॉर्निंग अब्राहम यूज्ड टू जंप. हालेलुया. हर सुबह अब्राहम कूदता था और कहता था हालेलुया. द चाइल्ड इज कमिंग. बच्चा आ रहा है. सारा हाउ डू यू फील. सारा कैसा लग रहा है. नथिंग डिफरेंट. कुछ फर्क नहीं है. प्रेज गॉड. खुदा की तारीफ हो. इट्स गोइंग टू बी अ बिगर मिरेकल. ये और बड़ा आश्चर्यकर्म होगा. यस. जी हाँ. 25 years. 25 साल. 25 years is not a small time. 25 साल छोटा समय नहीं होता. And one fine day. पर एक खास दिन. The promise came. वायदा आ गया. Jehovah Jireh provided. यहोवा इरे ने मुहैया किया. I told you Noah sat 7 days. मैंने आपको बताया था नूह 7 दिन तक बैठा रहा. Not realizing. इस बात को ना जानते हुए. I was tested 7 days. कि मेरी खुद की परीक्षा 7 दिन की थी. And on the eighth day the rain came. और आठवें दिन बारिश आ गई. Bang on the eighth day. सटीक आठवें दिन. The ruling came. वो फरमान आ गया. And my work was done. और मेरा काम पूरा हो गया. You see, we are not just preaching. आप पाएंगे हम केवल प्रचार नहीं कर रहे. God is speaking something through us. खुदावन कुछ हमारे द्वारा बुलवा रहे हैं. Which he is fulfilling in your and my life. जो आपके और मेरे जीवन में पूरा कर रहे हैं. Yes, brother Abhishek. या भाई अभिषेक हैं. Who gave a very long testimony that day. उस दिन इन्होंने बहुत लंबी गवाही दी थी. Which was full of spiritual vitamins. जो कि बड़े आत्मिक विटामिनों से भरी हुई थी. How he waited 12 years. कैसे उन्होंने 12 साल इंतजार किया. And did he get a child. और क्या उन्हें बच्चा मिला. Amen. What did he name her. क्या नाम रखा उन्होंने उस बच्चे का. मोरिया. 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 Where Jehovah Jireh came. जहां यहोवा इरे आए. Always. हमेशा. He's always there. हमेशा से वो वहां होते हैं. He's always there on time. वो हमेशा समय के पे वहां पर होते हैं. He's never late. कभी भी वो देर नहीं होती उन्हें. But you need to hold to your absolute. पर आपको जरूरी है कि आप अपना परम सत्य पकड़ के रखिए. After the message last Sunday. पिछले संडे मैसेज के बाद. When I went to the vestry, I was talking with somebody. जब मैं वेस्ट्री में गया मैं किसी कुछ से बात कर रहा था. And I felt a strange urge. और मुझे एक बड़ी विचित्र एक अर्ज हुई. And I told that brother. और मैंने उस भाई से कहा. Tell that brother. उस भाई से कह देना. Fast and pray. उपवास करे और प्रार्थना करे. Do something. कुछ करे. God will reward you very soon. खुदावन उसे प्रतिफल बहुत जल्दी देंगे. And let me tell you something. और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ. God is doing it. खुदावन इसको कर रहे हैं. Amen. You see, brother. आप देखेंगे भाई. Things are not just said like this. चीजें यूं ही नहीं कही जाती. There is an absolute somewhere. एक परम सत्य कहीं ना कहीं है. I ask you, young boy. मैं आपसे पूछता हूँ हे जवान लड़के. What is your absolute? आपका परम सत्य क्या है. What's your absolute, girl? लड़की आपका परम सत्य क्या है. That picture you see in the ads. वो तस्वीर जो तुम एड्स में देखते हो. That hero you see. वो हीरो जिसको आप देखते हैं. देखते हो. द सॉन्ग्स दैट द वर्ल्ड हियर्स. वो गाने जो दुनिया सुनती है. इज दैट योर एब्सोल्यूट. क्या ये तुम्हारा परम सत्य है. वन ऑफ दीस डेज एन एटॉमिक बॉम्ब विल फिनिश दैट एब्सोल्यूट. इन्हीं किन्हीं दिनों में वो परमाणु बम उस परम सत्य को खत्म कर देगा. एंड दैट एब्सोल्यूट विल बी लेफ्ट नोवेयर. और वो वाला एब्सोल्यूट तो कहीं का नहीं रहेगा. बट इफ यू मेक दिस वर्ड. पर अगर आप इस वचन को लें. नेवर फील लोनली. कभी भी अकेला महसूस नहीं करेंगे. Amen. That word said. उस वचन ने कहा. I'll never leave thee. मैं तुझे कभी नहीं छोडूंगा. I'll never forsake thee. मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा. And lo, I am with you always. और देखो मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ. Even to the end of the age. यहाँ तक कि युग के समापन तक भी. Now go. अब जाओ. And preach the gospel. और सुसमाचार का प्रचार करो. And I'll be with you. और मैं तुम्हारे साथ होऊंगा. That's what an absolute said. ये वो चीज थी जो एक परम सत्य ने कही. And when you catch hold of that absolute, और जब आप उस परम सत्य को पकड़ लेते हैं. You are never lonely. आप कभी भी अकेले नहीं होते. You can never get bored. आप कभी भी बोर नहीं महसूस करेंगे. Absolute gives expectations. जो absolute है वो अपेक्षाएं देता है कुछ. And you live in those. और आप उनमें जीते हैं. He starts doing paradoxes in your life. और जब आप उसमें जीते हैं तो वो आपके साथ अजूबे करने लगता है. कईयों का एब्सोल्यूट उनका दोस्त बन जाता है. दोस्त ने कहा. मेरे सीनियर ने कहा. समझ मारी है. कईयों का एब्सोल्यूट मेरे बॉस ने बोला. मेरे सीनियर ने कहा.
मेरे मेरे जो बुआ बोलती हैं वो हमेशा सही निकलता है, इस बार बोलेंगी वो सही नहीं निकलेगा, इस बार बुआ जो बोलेंगी वो सही नहीं निकलेगा। मेरे ताऊ ने जब भी बताया, मेरे मामा ने जो कुछ कहा, यार हमेशा सही निकला, इस बार नहीं निकलेगा। बाबा वेंगा ने कहा, आजकल चल रहा है वो बाबा वेंगा, वो आधी आंख बंद खुला वाला, देखा आपने शक्ल, वो नॉस्ट्रडेमस ने बोला, मैसेज ने क्या बोला, आमेन। वेयर इज योर एब्सोल्यूट, आपका परम सत्य कहां है? इज योर एब्सोल्यूट इन सम डिनोमिनेशन, क्या आपका परम सत्य किसी संस्थागत गिरजे में है? मैं इस चर्च को भी लेके कहूंगा, क्या आपका एब्सोल्यूट ये झुंड है? मेरा तो नहीं है। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं चर्च मत आओ, क्या हमारा एब्सोल्यूट एक झुंड है? क्या हमारा एब्सोल्यूट कुछ लोग हैं? ब्रदर, लोग भी गलती कर सकते हैं, यस, गिर सकते हैं, लेकिन ये जो कहा गया, आमेन, ये नहीं टल सकता, आमेन। जिन्होंने इसे पकड़ लिया, इसे अपना परम सत्य बनाया, आमेन। मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिला इस चर्च से, आपको आज मिल रहा है। अरे ब्रदर, आपने गलत अपॉइंटमेंट चुना, तभी तो डिसअपॉइंटमेंट मिला, क्योंकि आपने अपॉइंटमेंट ही गलत लिया। अपॉइंटमेंट लीजिए इनके साथ जहां कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलता, आसमान और जमीन टल जाएंगे। ये जो कहा गया है कभी नहीं टलेगा। And you are going to realize, और आप ये समझेंगे, as Trump has come, जैसे कि ट्रंप आ गया है, and the administration is changing, और संचालन बदल रहा है, and the world is getting darker and darker, और दुनिया और अंधकार में हो रही है। Did you hear the farewell, what do you call, note of Kamala Harris? Kamala Harris का जो जब आखिरी जो उसका farewell बातचीत थी, वार्तालाप, उसको सुना। Because now she is giving up. So that Trump can take over. क्योंकि अब वो छोड़ेगी स्थान को ताकि ट्रंप आ जाए। You heard a farewell message? उसका farewell message आपने सुना? There's a line she said there. एक पंक्ति थी जो उसने वहाँ बोली। Said it's an old saying. उसने बोला कि एक पुरानी कहावत है। It's only when it gets dark. ये केवल जब बहुत अंधेरा हो जाता है। That the stars start shining. तब होता है जब सितारे चमकते हैं। And I said, Mrs. or Miss Harris, और मैंने कहा श्रीमती हैरिस, do you realize what you are saying? क्या तुम समझ रही हो कह क्या रही हो? Which darkness are you talking about? कौन से अंधकार की तुम बात कर रही हो? But in the book of Daniel it says, पर डैनियल की किताब में वो कहता है, and many who turn many to righteousness, और बहुतेरे जो बहुतेरों को धार्मिकता में बदलते हैं, shall shine as stars in the sky. वो आकाश में सितारों की मानिंद चमकेंगे। It's time for some stars. ये समय है कुछ सितारों के लिए। In this dark world. इस अंधकार में दुनिया में। Gross darkness covers the earth. घनघोर अंधकार पृथ्वी पे छा गया है। But you arise. पर तुम उठो। And shine. और प्रकाशमान हो। Your light has come. क्योंकि तुम्हारा उजियाला आ गया है। Shine like a star. एक सितारे की मानिंद चमको। And every star is tied to his absolute. और हर एक सितारा अपने परम सत्य से जुड़ा हुआ है। And that's the north star. और वो है वो उत्तरी तारा। It's centered on that. वो उसके ऊपर टिका हुआ है। And every believer. और हर एक विश्वासी is centered on this word. वो इस वचन पे केंद्रित है, टिका हुआ है। अब ये कहना कि वचन पे केंद्रित, मैं कुछ और भी कहना चाह रहा हूं। From that word. इस वचन से। Someday. किसी दिन a voice spoke to you, एक आवाज ने आपसे बात की है। If it spoke to you, अगर उसने बात की है तो hang on to that, उसे थाम के रखिए। That's your absolute, ये आपका परम सत्य है। One of these days, इन्हीं की नहीं दिनों में, that absolute will be needed, उस परम सत्य की जरूरत पड़ेगी, to go over that wave, कि आप उस लहर के ऊपर
पार करके निकल जाए. एंड देन द गॉड ऑफ आमीन गेट्स रिवील्ड इन योर लाइफ. और फिर वो खुदा जो आमीन का है आपके जीवन में प्रकट हो. एंड देन ही सेज, तब वो कहे, माय सर्वेंट जो विल प्रे, मेरा दास अय्यूब प्रार्थना करेगा. और मोसेस, और मूसा, स्टैंड अप, उठ, रेज योर स्टिक टू द ईस्ट, पूरब में अपनी लाठी उठा, स्पीक द वर्ड, और वचन को बोल दे. आर यू विद मी टिल नाउ? क्या आप मेरे साथ हैं अभी तक? माय ब्रदर, दिस इज द एज एंड दिस इज द टाइम. मेरे भाई, ये वो युग है और ये वो समय है. दैट वी आर कमिंग टू आवर एब्सोल्यूट, कि हम अब अपने परम सत्य पे आ रहे हैं. एंड दैट एब्सोल्यूट विल मेक यू स्टैंड, और वो परम सत्य आपको खड़ा करेगा. एंड मेक यू डू थिंग्स यू हैव नेवर ड्रीम्ड, और आपको ऐसी चीजें कराएगा जिसको आपने सपनों में भी नहीं सोचा है. आज तो आप सुन रहे हो, ये होगा. And when you see it, और जब आप इसे देखेंगे, you say, how did this happen? आप ये कहेंगे, ये हो कैसे गया? Then God said, I was in you. फिर खुदावन कहेंगे, मैं तुम्हारे अंदर था. God bless you. खुदावन आपको बरकत दे. God bless you, भैया. Amen and amen. We are tied to our absolute. हम अपने परम सत्य से जुड़े हुए हैं. God really bless you. God bless you, my brother. मैं चाहूंगा भाई निश्चल आए और पांच या दस मिनट का टाइम लें कि एक दो गीत गवाएं, ताकि हम लोग तब तक अपनी लाइनें बना लें, तैयार हों, और हम खुदावन की उपासना करेंगे, तैयार होंगे इससे पहले कि